wanna know who the man's wife is. See you. Here comes my boy who wanna blow the scene. Come on, everybody, check this out. This is gonna be the crazy beat. You better put your seatbelts right now. Because see you is right here, the man who gonna make you crazy. राय साहब, इनकी बेटी का रिश्ता आया, आप कितने भाग्यशाली हैं। ऐसा क्यों? इनकी बेटी को इनके बेटे का रिश्ता आया, ये भाग्यशाली हैं। अरे जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही मिलता है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को चुनौती दे सके। अबे मनोज कहीं का जब भी आता बुरी खबर ही सुनाता है। अरे वो सनी फिर से दुल्हन को उठा के भाग गया। अरे सनी क्या कर रहा है? मुझे शादी के दिन भगा के लेके जा रहा है। पैसे ही लड़के नहीं मिल रहे थे, एक बकरा इतनी मुश्किल से फंसा है और तू? छोड़ दे मुझे। बंधु, मैंने दुल्हन को अगवा किया है सिर्फ मेरे लिए। ये देखो रेडीमेड खड़ी है। अब मना मत करना, मंडप में बैठने की देरी है, तुम्हें आशीर्वाद देना ही होगा। चा माइला, दुनिया का आखिरी गलत काम भी तूने कर लिया। तो क्या, मैं जानता हूँ आप मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे, क्योंकि हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ एक ही तो है। माजन नशीब खराब है। अरे बबरे खिसक लेता हूँ, बाय। किसी भी देवा का ऐसा येड़ा भगत नहीं होगा। मॉम, आई स्विमिंग करके आ रहे है क्या? मॉम, अब मैं बहुत थक गया हुआ। hey, हाँ डैड, तू यहाँ फिर किसी को ले आया? ऐसी वैसी नहीं, टीचर की बेटी है वो, और मैं इसे उठा कर ले आया हूँ मंडप से। मंडप से उठा कर लाया है तू इसे? तेरे बाप का राज है क्या? शादी के बाद उठाता तो सेकंड हैंड पीस कहलाती ना। एडवोकेट साहब, रोज रोज की शैतानियों से हम सब परेशान हो गए हैं। गांव वालों का तो उसने जीना मुश्किल कर रखा है, अब बहुत हो गया, उसका कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही होगा। आपका बेटा है इसलिए अब तक चुप बैठे हैं, वरना पुलिस के हवाले कर देते उसे। अपने बेटे को बाहर बुलाओ और उसे हमारे। चुप करो, तुम लोग जरा मेरी भी तो तकलीफ समझने की कोशिश करो। मैं भी 23 साल से झेल रहा हूँ उसे। इस लड़की को लेकर जाओ, कहीं शादी का मुहूर्त ना निकल जाए। रो मत बेटी, इस बार तुम्हारी शादी जरूर हो जाएगी। किसी मुए की नजर सरहद पर युद्ध जीत कर नहीं आया जो आरती उतार रही हो। क्या रे, तू इस जन्म में नहीं सुधरने वाला। वार्निंग तो मैंने आपको पहले भी कई बार दी थी कि मेरा बैंड बजा दो, पर आप मेरी सुनते कहाँ हो? अच्छी बहू ढूंढ लेते तो ये सब करना मैं बंद कर देता। लड़कियाँ क्या पेड़ पर उगती हैं जो तेरे लिए ला दूं? और फिर तुझ जैसे निकम्मे को लड़की कौन देगा? रहने दो, इसका भी जवाब मेरे पास है। जवाब है तो बताना। ये निकम्मा शादी के बाद सेटल हो जाएगा। वाह, मुझे तुझ पे नाज है। घंटा नाज है। ए, तू चाहे जो कर ले, कोई बेवकूफ भी अपनी बेटी तुझे नहीं देगा। ऐसा पागल बाप तुझे कहीं नहीं मिलेगा। रास्ता देखते रहो। तुझे शादी करनी है ना, ये जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दे। मैं तेरे लिए दिन रात एक करके एक अच्छी खूबसूरत लड़की ला के दूंगा। आप सच कह रहे हो, लड़की देखने के लिए भटकना मंजूर है, पर अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुझे मेरी बेटी सच में पसंद है? सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मुझे आपकी 100 एकड़ की जमीन, स्विमिंग पूल वाला फार्म हाउस और तो और आंटी जी के गहने भी। तूने तो मेरा दिल जीत लिया। कल ही मैं तुम दोनों कुंवारों का मिलन करवा देंगे। हाँ, मिलन करवा दूंगा। सर जी, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझो दोस्तों। तुम्हारी यार की शादी में कोई कमी ना रहे। नहीं भाई, एकदम शादी पटाका है। भाई साहब, क्या हम विधि शुरू करें? दोस्ती में कुछ दिखाई नहीं देता, मती मारी गई है क्या? कहाँ ये हूर की परी और कहाँ ये लंगूर आवारा, इसकी तो जिंदगी नर्क बना देगा। सासू माँ, आप बीच में टांग अड़ाना बंद कीजिए। सुनता ही नहीं है। खुसट पुड़ियो। डैडी, डैडी, आप परमिशन दे तो मैं लड़के से बात करूं? बातचीत शादी के बाद कर लेना। शगुन की थाली दीजिए, आप कहाँ चले दामाद जी? लेकिन मुझे बात करनी है। शादी के बाद खुल के कर लेना। मुझे बात करनी है, पूरी जिंदगी पड़ी है। चल रही मेरी एजी ओजी। अरे कहाँ चल रही? अरे लाओ थाली दो यार।
शेरवानी तो बढ़िया है। अच्छी लगी? ये तो कुछ भी नहीं है, शादी के दिन डिजाइनर कपड़े पहनूंगा। तुम्हें भी चाहिए क्या? बाद में सोचेंगे, तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी होनार हूँ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में मैं फर्स्ट आई हूँ, फिर ये शादी क्यों करवा रहे हैं? सिंपल है, तुम अच्छी लड़की हो, ऐसा लड़का ऐसा घर तुम्हें और कहाँ मिलेगा। मुझे रिश्ता मंजूर है। तुम मेरी बात समझे नहीं। वो क्या है ना, मेरे मॉम डैड कहते हैं कि अगर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी तो वो मेरी शादी किसी लल्लू से करा देंगे। वो मेरी पढ़ाई रुकवाना चाहते हैं। इट्स नेचुरल। जिस लल्लू की मैं बात कर रही हूँ वो तुम ही हो, कोई और नहीं, समझते नहीं? डिग्री पास की हुई लड़की को तो छोड़ो, तुम तो 10th पास लड़की के भी लायक नहीं हो। तो मैं शादी क्यों करूँ? पूजा सुन, मैं जबरदस्ती ये शादी नहीं करना चाहती, समझा? और गलती से फोर्स भी मत करना, क्योंकि अगर किया तो मैं चौथे मोहल्ले के तीसरे गली के दूसरे घर के इकलौते बॉयफ्रेंड को छत पर ले जाऊंगी और जंप मार दूंगी। और सुसाइड नोट पर मैं तुम्हें अपनी मौत की वजह बताऊंगी। शोर मच जाएगा और तुम्हें जेल हो जाएगी। क्या अभी तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे नहीं लगता। लड़की को तो छोड़ो, तुम तो 10th पास लड़की के भी लायक नहीं हो, तो मैं शादी क्यों करूं? दूसरे घर के इकलौते बॉयफ्रेंड को छत पर ले जाऊंगी और जंप मार दूंगी। क्या हुआ मेरे लाल? ये शादी नहीं हो सकती। मगर क्यों बेटा? शहर जाके डिग्री लेना चाहता हूँ मैं। डिग्री? अरे ये सुनकर 104 डिग्री बुखार मुझे हो गया। डैड, बात ये है, जमाई बाबू मेरी बेटी की बराबरी करना चाहते हैं, जाने दो। तुम्हारी ये बात बहू को बुरी लगी तो? बहन जी, ऐसा वर पाकर तो मेरी बेटी धन्य हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी तो लुटिया डूब जाएगी। अब गुस्सा थूक दीजिए। हाँ कह दीजिए। हाँ कह दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मान लेता हूँ, कोई पंगा होगा तो तुम समझना, क्योंकि इस पर मेरा ये लास्ट इन्वेस्टमेंट है। गाँव वालों, गली गली में ये न्यूज फैला दो कि मैं डिग्री लेने के लिए शहर जा रहा हूँ। गांव में कोई त्योहार है क्या? त्योहार नहीं है बाबूजी, हमारे गांव पर से शनि का प्रकोप उतर गया है, इसलिए हम सब खुशियां मना रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है। खुशफहमी को दिल से निकाल दे, गौर से देख। देख तुझसे सताए लोग कितने खुश हैं। एक को भी छोड़ा था तूने? अंताक्षरी नेशनल गेम है, तुम खेल रही थी, मैं घुस पड़ा खेलने के लिए। जनरल नॉलेज अपने पास रख। ए, क्या लगा रखा है? एक लड़के के पीछे इतनी सारी लड़कियाँ, तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। You touch me? Yeah. Now I showing you my kung fu karate, dhobi punch, boxing, taekwondo and सब कुछ। Girls, sit down. चलो हम भी तुम्हारे साथ अंताक्षरी खेलते हैं, और भी मजा आएगा अगर इसका एक सिप पी लो। कमाल बेबी, सोच क्या रही हो? बहुत कमाल की चीज है, पियो ना बेबी, पियो ना। देखा, इनसे तो मैं ही ठीक था ना। पियो ना, बहुत मजा आएगा, अंताक्षरी खेल रहा है ना हमको। आप लोग यहाँ बैठे बैठे दूसरों की बुराई कर रहे हैं, अगर ऐसा आपकी बहू बेटी के साथ होता तब भी आप चुप बैठे? तू हमसे पंगा लेगा क्या? मुझे इसी डायलॉग का इंतजार था। ए, बहुत उड़ रहा है वो। ए, अपुन से पंगा लेगा? जानता है अपुन कौन है? काट दूं तेरे पर, काटूं क्या? ए! ए, क्या तू जानता है कि मैं कौन हूं? I'm not Gavaskar, but the Tendulkar who is the man of the match for this fighting match. मारो साले को। नहीं।
अब साले तू बता कि तू कौन है। लड़कियों के साथ में अंताक्षरी खेलना है, खेलो, उनके शरीर के साथ में नहीं, ध्यान में रखना। सुपर। तुझे नहीं छोड़ूंगा, छोड़ मुझे। फूट ले। बच्चों भूल गए, नाश्ता करने से पहले तुम्हें अपनी प्रेयर्स करनी चाहिए, चलो प्रे करो। ये बाप है या हिटलर की औलाद, दिन हो या रात सिर्फ डिसिप्लिन। शुरू करो। चाचा नेहरू की तरह बच्चों से प्यार करो, बापू की तरह अहिंसा के रास्ते पे चलो, एक अच्छे इंसान की तरह गरीबों की मदद करो, सबका भला सोचो, जियो और जीने दो। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रेयर। बच्चों इस मनुष्य की तस्वीर देख रहे हो, इसकी हरकतें बर्ड फ्लू की तरह फैली हुई हैं। रिश्ते में ये तो तुम्हारा मामा लगता है, लेकिन इसने मुझे कई बार मामा बनाया है। मामा यहाँ आप कभी मत आना, हम अपने घर में अशांति नहीं चाहते, हम रोज सुख शांति और मुस्कुराते हुए बिताना चाहते, इसलिए बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी मत आना। शाबाश, लगे रहो बच्चों। ए जीजा। भाई तू? बहना मैं आ गया। बच्चे की जान लेगा क्या? हाय मामू। लाइब्रेरी की तरह यहाँ सन्नाटा छा गया था, पर अब तू आ गया है, पूरे घर में खलबली मच जाएगी। दो तीन दिनों के लिए आया तो खबर क्यों नहीं की तूने? नहीं नहीं मैं दो तीन दिन के लिए नहीं आया, पढ़ाई पूरी करके ही जाऊंगा। ए पोरी, इनकमिंग है या आउटगोइंग है? ए, तू चाहे तो ग्रुप कॉलिंग कर सकते हैं। ए, लाल छड़ी तू इधर आ। कॉलेज में तो नहीं लगती है, तो रैगिंग करना हमारा हक है। चलिए सिगरेट पी। तुम मुझे नहीं जानते, एसपी की बेटी हूँ। अच्छा, ये बाजू में जो खड़ा है ना, कमिश्नर का होने वाला दामाद है, पहचान अपन लोग को मत दिखा। चुपचाप सिगरेट पे चल ले। अरे ले, लगा सुट्टा। ऐसा मत करो। एसपी की बेटी, दम लगाने का दम नहीं है। हाय, न्यू एडमिशन है? हाँ न्यू एडमिशन। एसपी की बेटी के साथ ऐसी रैगिंग कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आम लड़कियों का कितना बुरा हाल करते होंगे। सीधे खड़े रहो रे। सब लोग उस लड़की से घबरा क्यों रहे हैं? उसके डैड पॉलिटिशियन है क्या? नहीं, बैंक एम्प्लॉई है। तो फिर जरूर उसका भाई गुंडा होगा। इकलौती बेटी है। यहाँ पर सब लोग इससे घबरा रहे हैं, उसकी कोई तो वजह होगी। ये क्या कर रहा है? मंजीरा बजा रहा है? टन 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 टन, मारते कैसे हैं मैं दिखाता हूँ। श्रुति मेरी है, याद रहे। और ये मेरा इलाका है, ये है भवानी। इस शहर में आतंक का दूसरा नाम, इसके रास्ते में जो भी आता है उसके रस्ते लग जाते हैं। ये जितनी बेदर्दी से दुश्मनों को मारता है, उतनी ही बेदर्दी से श्रुति से प्यार करता है। Oh,
श्रुति, यही वो लड़का है ना जिसने तुझे आई लव यू कहा था? ये अपने माँ बाप को अपने इंश्योरेंस का पैसा जल्दी देना चाहता है। मजनू साला बोलता है कि प्यार करने में बुराई क्या है, मैंने तो बस अपनी फीलिंग बताई। ये ले लड़का, इसे इतना मार ये किसी को मंगलसूत्र पहनाने के लायक ना रहे। बस कर। श्रुति, ये सब बकवास चीजें हैं ना, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, चैटिंग, मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे बस एक ही चीज आती है, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करना। Hey, this property belongs to भवानी। भाई नमस्ते भाई। भाई नमस्ते। भाई नमस्ते भाई। सलाम भाई। Hey, कोई श्रुति के आसपास भी नहीं आना चाहिए। हमारे अलावा कोई नहीं आता भाई। तू भी दूरी मेंटेन कर। पैसा लिया ना, समझा ना उसको। पागल, पैसा लिया ठीक से काम कर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम तो किसी अच्छे घर की लगती हो, फिर उस गुंडे के साथ तुम्हारा। मैं अपने पापा के साथ एक बर्थडे पार्टी में गई थी। हाँ बोल भाई। यादों ने मेरी जमीन पर कब्जा किया है, वो अगर आप मुझे लौटा देंगे तो मैं आपको हिस्सा दूंगा। भवानी को भी यहाँ से उठा लेंगे, आया बड़ा शिकायत कर रहा है। वाओ, तुझे देखते ही मैंने अपना रास्ता बदल दिया। तेरी जैसी हुर मुझे आज तक नहीं मिली। आज से ही तुझे मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। इधर ही गोली से उड़ा दूंगा तुझे। तू जानता नहीं मेरी पहुँच कितनी ऊपर तक है। चाहूँ तो तुझे मौत के घाट उतरवा सकता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को छेड़े। ये क्या कर दिया आपने, सबको गोली मार दी? अच्छा, आपकी पहचान तो बहुत ऊपर तक है ना, इसका मतलब डिस्को करके किसी को भी गोली मार सकते हैं। ओह, गुंडे का ससुर बनना इसलिए आप मेरे लेवल तक आने की कोशिश कर रहे हो? ए, सुनो ससुर जी, अगर आप जेल नहीं जाना चाहते तो आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी होगी, वरना। उससे शादी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अगर सुसाइड भी कर लूंगी तो डैड को जेल हो जाएगी। शादी से बचने का कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये शादी बस तभी रुकेगी जब भवानी को टक्कर देने वाला कोई पैदा हो जाए और मुझे उसके चंगुल से छुड़ा सके। गाड़ दे झंडा, गाड़ दे, गाड़ दे, गाड़ दे, गाड़ दे झंडा, झंडा। आज इस कॉलेज की धरती मेरे पावन चरण स्पर्श से धन्य हो गई। क्या कॉलेज है। हाय हाय, कैसी हो? हाय आयचा गावत, इधर भी विघ्नार था आप यहाँ पर? अच्छा, मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। हाँ, तू जमा आयला, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तेरे बिना थोड़ी रह सकता हूँ मैं। विनायक, मेरी एक रिक्वेस्ट है जिसे तुम्हें पूरी करनी होगी। तुम्हें तो पता है मैं शहर क्यों आया। दोस्त, आज तक मैं लड़कियों के गोल गोल चक्कर काटता रहा, अब तुम ऐसा कुछ करो कि सारी लड़कियां मेरे चक्कर काटे। ये काम कर दो, मोदक खिलाऊंगा। रिश्वत? ज्यादा नहीं, एक तो दिला दो, वही काफी है, पर एकदम भारी। हाँ, अब मैं आंखें बंद कर रहा हूँ। अच्छा विनायक, अब मैं आंखें खोल रहा हूँ, मेरा दिल मत तोड़ना तुम। मुझे बचाने वाले को जल्दी भेज दो प्लीज। हाँ,
अपने भक्त से मिलाने के लिए मुझे बुलाया ना। तू तो बड़ा फास्ट है। अब जब मैं इस कॉलेज में आ ही गया हूँ तो फ्रेंडशिप भी हो जाए, लव भी हो जाए, ये भी आशीर्वाद दे दो। आई नो यू नेवर ब्रेक माई हार्ट। थ्री जी नहीं, फोर जी नहीं, तेरा स्पीड है 10G। जा जाके चैटिंग कर ले। पप्पी लेगा क्या? हाय, मैं हूं सनी। तुम मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? ए, मुझसे फ्रेंडशिप करेगा? नहीं बहना, विनायक ने इससे करने के लिए कहा। विनायक? कौन विनायक? गणपति, गॉड, मेरे फ्रेंड है वो। तू चुप कर। स्क्रू ढीला इसका। फ्रेंड्स? ए येड़े, भवानी को नहीं पहचानता तू? हाँ मालूम है, नाके का लेडीज टेलर है वो। उस कपड़े काटने वाली भवानी की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोगों का गला काटता है वो भवानी। बहुत बड़ा गुंडा, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। इस हिरोइन को पटाने के लिए मुझे झूठ बोलना होगा। अरे वो भवानी, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। पता है गांव से मैंने तो उसे शहर में राउडीगिरी करने भेजा है। दो जिस्म एक जान, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। सुना, ये भवानी के बहुत क्लोज है। हा? तो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। हेल्प चाहिए? बोल के तो देखो। अरे कोई है जो इसे शादी के लिए दिन रात टॉर्चर कर रहा है। और कौन है, कहाँ है, किधर है? आने दे, आने दे उसको सामने। कैसे मारोगे? उसे पहचानते हो तुम? अगर उसे कोई खाक में मिला सकता है तो वो है सिर्फ भवानी। पर भवानी आखिर है कौन, कहाँ रहता है, ये सब हम नहीं जानते। अब क्योंकि तुम उसके बहुत क्लोज हो तो हमारी प्रॉब्लम उसे कहकर सॉल्व करवा दो ना। एक मिनट देना। अगर मैं भवानी को आपके सामने ले आऊं तो क्या ये मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? हाँ? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली। मैं उसका सर फोड़ के नाक पकड़ के तुम्हारे सामने ले आता हूँ, ठीक है? तुम भी ना कभी कभी उसे। नाम तुम्हारा? कैटरीना कैफ। ये फिल्मी हीरोइन का नाम क्यों? वो रियल हीरोइन, ये रियल की हीरोइन। क्यों, बढ़िया नहीं है क्या? है ना, तुम्हें तो बहुत हैंडसम हीरो मिलेगा, बिल्कुल मेरी तरह। सुने, ख्याल रखना इसका। मुझे ही शर्म आ रही है। ओफो, ये भी कोई मजाक है? तुमने कहा भवानी से कहो कोई मुझे टॉर्चर कर रहा है। भवानी ही तो वो है जो मुझे टॉर्चर कर रहा है। बेकार में इस मजाक की वजह से वो मुसीबत में ना पड़ जाए। तू उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही है? उसे तो खुद ही अपनी फिक्र नहीं है। देख, मुझे तो लगता है वो तेरी लाइफ में जरूर टर्निंग पॉइंट ले आएगा। गुंडा। कुदरत से भी ज्यादा पवित्र है मेरा यार। तू उसकी दोस्ती में पागल हो गया? अरे मैं उसके कच्चे पहन के बड़ा हुआ हूँ। वो नए शर्ट चड्डी पहनता और जब वो फटती तो मुझे गिफ्ट करता। वो पहले खाता फिर बचा हुआ मुझे देता। उसने हर चीज मुझसे पहले की, पर शहर पढ़ने मुझे पहले भेजा। तो दोस्तों में दोस्त है सनी। हाँ, इसलिए जब भी मैं आंख बंद करके उसे दिल से याद करता हूँ वो मेरे सामने होता है। बदमाश। ये क्या यार, कहीं सनी का भूत तो नहीं आ गया? सनी का भूत नहीं बे, सनी खुद आया है। तेरे आने की खुशी में पार्टी तो बनती है। कैटरीना कैफ, इस नाम की तो कोई लड़की हमारे कॉलेज में नहीं है। है यार। अच्छा, उसे पहली नजर में देखते ही वो कहते ना क्या प्यार हो गया है। एक प्रॉब्लम है। ये मजा मत यार, चुप करो। मेरी कैटरीना को कोई ना टॉर्चर करा। वो चाहती कि मैं उसे शेर के बड़े रावड़े से पिटवाऊं। हाँ तो पिटवा दे। तो मैंने कहा कि वो बड़ा रावड़े मेरा अच्छा दोस्त है और मैं उस मंजले आशी को पिटवाऊंगा। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, हमें उस शहर के उस बड़े गुंडे से मिलना है। मिलेंगे। वैसे उस बड़े गुंडे का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? जवानी दीवानी मस्त। भवानी। कहाँ जा रहे? पतली गली पकड़ रहे हैं। तूने कहा वो भवानी तेरा दोस्त है, तुझे अंदाजा भी है वो कौन है? उसका नाम सुनकर मेरी निकल पड़ी। तू हमारी कमर खुदवाना चाहता है क्या? पागल हो गया? कैटरीना कैफ को भूल जा और किसी आइटम नंबर को पकड़। वारे, ये दोस्ती बाटली की तरह है, जब तक ढक्कन है तब तक फोर्स में, और ढक्कन खुलते ही हवा निकल जाती है। फट्टू। क्या कहा? तू अपने चड्डी बड्डी दोस्त पे शक कर रहा है? ठीक है, मेरे पास इस मुसीबत से बचने का एक आइडिया है। क्या आइडिया? आइडिया ये है कि उस खतरनाक ओरिजिनल भवानी की जगह कोई डमी भवानी उसके सामने पेश करते हैं। डमी भवानी? वो कौन होगा?
भवानी की एंट्री, लोगों को डिसेंट्री। अरे यहाँ पर तो कोई भाव ही नहीं दे रहा है। मुझे यही डर देखना था। यस। अरे भवानी भाई, भवानी भाई, ये मैं सनी, तुम ही हो ना? गेटअप चेंज किया क्या आपने? ऑब्जेक्शन। कहाँ जा रहे हो? जैसा कैरेक्टर प्ले करता हूँ वैसा ही होलिया चेंज करता हूँ। ये हिंगी, आइए आपको मिलवाता हूँ। ये कतरीना कैफ। ये कतरीना कैफ है तो ये क्या बिपाशा बसु है? आतमी बसु मरवाएगा ये तो। यू नो डार्लिंग, मेरी तारीफ तारीफ के लायक नहीं हो अंकल। मैन इन ब्लैक, चलो निकलते हैं यहाँ से। क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई, तुमने इन्हें मेरी हिस्ट्री नहीं बताई, इसने मुझे अंकल कहा। मैं तुमसे 2-3 साल छोटा हूँ, इसे दिखाई नहीं देता। बिपाशा बासु, निकालूं क्या तेरे यहाँ से? ये खतरनाक गुंडे भवानी भाई है। बैठो भवानी भाई। यस, भवानी हूँ मैं। नहीं नहीं, मैंने समझा दिया उनको। बैठिए कतरीना, प्रॉब्लम तो बोलो। ऑर्डर सर। भवानी को ऑर्डर देता है, बॉर्डर पे भेज दूंगा। जरूरी था क्या? कैरेक्टर की डिमांड। बापरे भवानी, चलो यहाँ से। अरे 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 कतरीना, अरे सनी, कैफ को मेरे कॉफ ने खौफ ने डरा दिया। तो मत कर, बना बनाया खेल बिगाड़ दिया मेरा। ड्रामी बॉस, इसने एक इंटेंस एक्टर को टेंस कर दिया। असली गुंडे को अब मैं धोऊंगा, अपना टैलेंट दिखाऊंगा उसे। रुक जाओ, रुक जाओ। अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगो मुझसे। जाने दे भैया, वो मिल गया। ए बी सी, दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग। भाई इसको भूल देता है मुझे। उलिये से पता नहीं चलता इस भाई साहब की पहचान क्या है? कॉमेडियन है। कॉमेडियन? तो दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, मैं तुझे पकड़ ही लेता। मुझे माफ कर दो सर। कमजोर को धमका रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? हिम्मत है, दम है तो मेरा हाथ पकड़। इसे जाने दे, मुझे पकड़। पाउडर मिल्क पिया है तो मेरा हाथ पकड़ के दिखा। कम ऑन, डर गया क्या? डालू क्या अंदर? हिम्मत तेल लेने गई? भवानी की हिम्मत देखनी थी ना तुझे? अरे बाप रे, तुम भवानी हो? यू आर अ ट्रू कॉमेडियन। भावेश, तुम्हारे झूठ से मैं परेशान हो चुकी हूँ। हे कतरीना को देखा? नहीं देखा। ये कौन लवर है तेरा? सनी। ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। हे कतरीना, बाय कतरीना। कहाँ गई हो तुम? ये यहाँ पर। कतरीना, हे तुमने मेरी कतरीना को देखा? ये देखिए, ये जो लड़की है ना, ये इसको ये जो। हे कतरीना को देखा तुमने? पिछले हफ्ते थिएटर में देखा था। अपने ही कॉलेज में पढ़ती है यार। अरे ये मछली अपने से कैसे बच गई यार? बैंग बैंग करते हुए यहाँ से निकले भाई। गुड जॉब यू सिली नॉटी बॉय। कौन है वो? लगता है कॉलेज में नया आया है। रोक साले को। वेयर इज माय कतरीना, वेयर आर यू? अगर 440 वोल्ट के पावर को टच करेगा तो चटका नहीं झटका लगेगा। कहाँ गई? इसको क्या जोर से लगी? तू यहाँ खड़ा है, मैं तुझे ढूंढ रहा था। तूने किसी की चंपी की है क्या? हाँ, पर पता नहीं कौन था वो। साले वो तेरा तेल निकालने के लिए आ रहे, चल भाग यहाँ से। क्या रे, तुझे लगता है तू अपन के पंटर को मार के बच जाएगा? अब क्या हुआ, फट गई? अगर हिम्मत है तो हम सबको मार के दिखा। अरे इन सबको तो मैं अकेले ही धो सकता हूँ रे, फिर मैं भाग क्यों रहा था? अच्छा, तुझ में इतनी हिम्मत है? यार मुझ में तो उससे भी ज्यादा हिम्मत है, पर बाद में। तो ऐसे नहीं जा सकता, ये बैट और सामान को रखने का खर्चा देना पड़ता है, पैसा कैसे वसूल होगा? चला और लड़ हमसे। करेक्ट है। देखो तुम लोगों के पास 3 ऑप्शन है। पहला है नॉर्मल फटका, दूसरा मीडियम फटका, और तीसरा ऑप्शन धोबी पछाड़ फटका। अब पहले 3 फाइटर्स को भेजकर उनका हश्र देखकर तुम डिसाइड करो कि तुम्हें आगे फाइट करनी है या फिर नहीं करनी। बादल, तूफान, बिजली।
ओके, जो भी पहले खाना चाहता है आ जाए। जिसे दूसरा आजमाना है आ जाए। अब तीसरा वाला धोबी पछाड़ फटका, ये बड़ा ही जोरदार है। सीधे हाथ से भी मार सकता हूँ और मैं उल्टे हाथ से भी मार सकता हूँ। थोबड़ा बिगड़ गया तो फिर कोई गारंटी नहीं है। तो कल्लू आ जा। अबे जाना। तू शक्ल से मैं उल्लू दिखता हूँ लेकिन मैं उल्लू हूँ नहीं। इन दोनों का क्या अंजाम हुआ तूने देखा नहीं? उसका 2.5 किलो का हाथ खाने को मुझे कोई शौक नहीं। तू जा ना। ओए, क्या चल रहा है यार? रुकिए ना भाई, थोड़ी गेम प्लानिंग चल रही है। क्या यार, कहा मैं एक्शन फिल्म देखने जा रहा था, तूने यही दिखा दिया। अरे बाप रे, तू चाहता मेरी हालत भी इनकी तरह हो? अब मेरे पास भी 3 ऑप्शन बचे हैं भाई। नंबर 1, यहाँ से भाग लूं। नंबर 2, बहुत जोर से भागूं। और नंबर 3, ऐसे भागूं कि कभी हाथ ही ना आऊं। इन 3 ऑप्शन में से मुझे 3 पसंद है। चल तेरी तो। चलो निकले, चलो। अरे ABCDF, सनी है बहुत टफ। रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच गए मालिक। हमें जन्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन की 18 तारीख की पूरी पैसेंजरों वाली लिस्ट चाहिए। वो नहीं हो सकता। अब तो देगा ना? तूने मेरे साथ गद्दारी करके बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि गद्दारों को मैं मौत के घाट उतार देता हूँ। मालिक, हमें लिस्ट मिल गई। बहुत अच्छे। उस लिस्ट में से मुझे उन सब के नाम और पते चाहिए जो 25 साल के हैं, देखना कोई बच ना पाए। बाबू, मालिक, मेरी गंगा के बच्चों को मारने वाला नहीं बच सकता। तुम कब तक बचोगी मेरी जान? कहाँ है कतरीना? मुझे हर जगह वही दिखती है क्या? कतरीना यहाँ पर है। मुझे कैसे पता? उसकी दोस्त राधा के मुंह से बातों में निकल गया था। वो कतरीना के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने आने वाली है। यहाँ हमें मरवाने क्यों लाया? तो क्या मैं अकेले मरूं? फॉलो। ये बहुत अच्छा है ना? हे, सनी का फोन है, उठाना मत तुम। रुक, मैं उसे झटका देती हूँ। हेलो, मेरी जाने मन कहाँ है, जरा फोन दे देना उसे। हम चार मीनार देख रहे हैं सनी। अच्छा, चार मीनार इन्फिनिटी मॉल में है क्या? हे, वो यही कहीं मॉल में है। हे, अरे कतरीना। अरे बाप रे, रुक रे, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। कतरीना, अरे रुक, कहाँ जा रहा है, मरवाएगा। सनी रुक जा। भाई बहुत मजा आया फिल्म देख के। रुक रुको, मेरी बात तो सुनो। देखो, भवानी की कहानी अब भूल जाओ। देखो कतरीना, मुझे तुम बताओ तुम्हें कौन सा तारा है। मैं तो उसे अभी ठीक है। अरे वाह, क्या फिगर है। जो भी भवानी भाई की गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा उसका यही अश्र होगा। बस बहुत हुआ, आप जाइए मैडम। अरे, तू जिससे प्यार करता उसने तुझे उल्लू बनाया। वो उसी भवानी की मंगेतर है जो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। अब भूल जाओ उसे और जा तू अपने गांव वापस आ। तो उसकी दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों कहा? अबे उसका नाम कटरीना नहीं है, उसका नाम श्रुति है, भवानी की मंगेतर। श्रुति, नाइस नेम। तो मेरी लाइन बिल्कुल क्लियर है। वो कैसे? श्रुति को शादी के लिए फोर्स कर रहा है वो भवानी है। हाँ। और वो उसे पसंद नहीं करती। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तो मैं उसे पटाऊंगा, उसे घुमाऊंगा, फिल्में दिखाऊंगा और फिर उससे शादी करूंगा। तेरा मजा, हमारी सजा। गोपी, तेरा जवाब नहीं। श्रुति, आओ करें मस्ती।
भवानी के आदमियों को पता चल गया ना कि तू उसके मंगेतर के पीछे है, तो हम सब गए। भाई वो देखो बोरा, जरा देखो कौन है। भवानी को अगर पता चल गया तो ऑलरेडी लगता पता चल गया। तुम सब में से सनी कौन है बे? ये, 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 ये। मजनू बनने का बड़ा शौक है, चल भवानी भाई बोला। एक मिनट, कहाँ जा रहा है? मुझे कॉलेज में जाना है। चल तुझे अपने कॉलेज ले चलता हूँ। मुझे जाने दो ना, पापा बहुत चिल्लाएंगे, मम्मी झाड़ू से मारेगी। अबे तेरी इतनी फटती है तो भाई के लव मैटर में क्यों पड़ता है? लैला मजनू की स्टोरी अपने भाई को ही शूट करती है, समझा दे इसको। हाँ सॉरी चमन, उसको वार्निंग दे के आया हूँ। भाई के नाम से तो उसकी पतलून के लिए हो रही थी। भवानी को तेरे मैटर के बारे में पता चल गया, वो तुझे तेल में तलेगा। तू शहर छोड़ दे यार। अरे अब वो भवानी इस सनी के पापड़ में लेगा। अबे तो यहाँ तक पहुँच गया। अरे भाई जाने दो ना मुझे, चल निकल यहाँ से, जा यहाँ से। भाई से मिलना है, प्लीज मिलने दो ना। भाई ये वही लड़का जो श्रुति मैडम को परेशान कर रहा था और हमने इसे वार्निंग भी दी थी। अरे तो उसे शिकार खुद शेर की मान में घुसा चला रहा है। ए, तेरा नाम क्या है? मैं सनी हूँ, गांव से यहाँ पढ़ने आया हूँ। तुझे मेरे लोगों ने समझाया फिर भी तू यहाँ गया। अब तक मेरी तारीफ पहुँच गई। भाई के सामने स्टाइल मारता है। एक मिनट, बाहर धमकाते हो, अंदर धमकाते हो, जब देखो हुल देते हो। आपको मेरे बारे में आपके चमचे घुमा फिरा के ना बोले, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ। कॉलेज के पहले दिन मैंने गणेश जी से आंखें बंद करके एक अच्छी गर्लफ्रेंड मांगी। जब मैंने आंखें खोली तब सामने मिली। हो गया तेरा, ए, बोलते रहे। इसलिए मैं कुछ दिनों से उसे दाने डाल रहा हूँ, पटा रहा हूँ। अचानक एक दिन, हाँ संडे, कॉलेज में कुछ गुंडों ने आकर मुझे घेर लिया। आपके ही चमचे थे। और उस दिन शॉपिंग मॉल में उस लड़की को प्यार की चार बातें चिपका दी। तब भी पता चला मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी मंगनी भवानी नाम के गुंडे से हो चुकी है। बोल लेते उसे, मैंने कहा छोड़ उसे। आगे बोल। हाँ हवा तो आने दे। ओके, तो कहाँ था मैं? हाँ, जब मैंने भवानी की इंक्वायरी की तब मुझे पता चला। कट 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 कट, आप कटिंग बढ़िया करते हैं। शुरू में लगा कि वो एक मिडिल क्लास लड़की है, लेकिन बाबा मैं गलत था बिल्कुल। उसके मंगेतर का नाम सुन के आइडिया ड्रॉप कर दिया। ये खड़ा क्यों हो गया बेटा? तू तो गया। सुन टकले भाई, इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरी मंगेतर से प्यार करने लगा, उसके आसपास घूमा, उसे आई लव यू कहा और न जाने कितनी बार मिला। इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि मेरी मंगेतर से प्यार करने के बावजूद ये यहाँ तक आया। अगर नहीं आता तो मुझे इस प्यार के बारे में पता ही नहीं चलता। तुम लोगों को ये क्यों नहीं पता? ये इन सब के धुलाई करें, इससे पहले मुझे कल्टीवानी चाहिए। भाई मैं चलता हूँ। तू नहीं जा सकता। जाना तो पड़ेगा क्योंकि आज मेरा उपवास चल रहा है, शाम को मंदिर में जाके उपवास खोलूंगा। चलता हूँ अब। श्रुति सिर्फ मेरी है, उसका हुस्न, उसकी अदाएं, उसकी जवानी पर सिर्फ मेरा हक है। हंस क्यों रहा है तू? कुछ नहीं, बताना हंस क्यों रहा है। बताता हूँ, वहां तो आने दो। भाई श्रुति को आप प्यार करते हैं वो तो ठीक है, आई लव यू आपने कहा वो भी आसानी से कह देगी, पर एक बात सोच कर देखिए, क्या वो सच में आपसे प्यार करती है? श्रुति के लाइफ में अगर उसकी पसंद का कोई लड़का आ गया जिससे उसे प्यार हो जाए तो फिर आपकी बच गए ना भाई। क्या है ना, आप प्यार पे पहरा लगवा सकते हैं पर दिल पर नहीं। दुर्घटना से पहले सपने से जाग जाइए। चल श्रुति मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। भाई जब भी किसी लड़के को किसी लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है तो वो प्यार करने वाला प्रेमी दुनिया में किसी भी अंजाम से नहीं डरता। याद रखना भवानी भाई, अगर कोई लड़की किसी लड़के से सच्चा प्यार करती है
तो वो ना तो गुंडागर्दी से, ना तो दादागिरी से, ना तो भाईगिरी से डरती है, और ना ही तुमसे भी डरेगी, समझ जाना। नहीं तो टीवी नहीं देखते क्या? पेपर नहीं पढ़ते क्या? यही तो ट्रेंड चल रहा है आजकल के आशिकों का। आज के लिए काफी है, हा? चलता हूं मैं। अगर आजकल ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है तो तू श्रुति से प्यार कर। हा? हा? भाई मैं श्रुति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आजकल के यूथ की बात कर रहा हूँ। तू बोलता बहुत है और तुझ में डेरिंग भी बहुत है, पर मैं ये डेरिंग वाली बात तभी मानूंगा जब श्रुति भी तेरे प्यार में पड़ जाएगी। जा पटा उसे। भाई मैं तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, आप चाहे तो किसी और को ये बोल दो ना। किसी और से नहीं, सिर्फ तू। श्रुति किसी से प्यार करेगी तो सिर्फ तुझसे। तू जीता उसे छोड़ दूंगा, तू हारा तुझे मार दूंगा। आपके हाथों मरने के चांसेस तो बहुत कम है, उसके प्यार में 99.99% गिरने के चांसेस है। फिर आप हर्ट हो गए तो बाद में मुझे। ए, तुम में से कोई भी इस आशिक को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। फुल फ्रीडम दे दी तुझे। महिला थैंक्स भाई, चलता हूं मैं। अब तो पटा कर ही वापस आऊंगा। इसे कहते हैं अपनी ही बारात की खुद ही बैंड बजाना। क्या भाई, उसे सलीम क्यों बनने दे रहे हो? इस अकबर का षड्यंत्र तुम नहीं समझोगे। तो समझाओ ना। श्रुति किसी के प्यार में गिरे तो अच्छा है, उसकी नजरों के सामने उसके प्रेमी को मार दूंगा, ताकि शादी से पहले और शादी के बाद वो किसी भी पराए मर्द को देखने से पहले 50 बार सोचे। जानता हूं मुझे पसंद नहीं करती, मुझे ऐसे ही किसी बकरे की तलाश थी। तुम्हारा वो आशिक सनी नहीं दिखाई दे रहा, लगता है उस दिन शॉपिंग मॉल में सच्चाई पता चलने पर गांव की टिकट लेकर रिटर्न चला गया। कहाँ गया? पॉकेट में तो नहीं था, यहाँ पे। I love you. तुम भवानी से प्यार नहीं करती। I love you. Love you. Love. देखो मैं क्लियर हूँ, तुम भी क्लियर हो जाओ। सोचने के लिए थोड़ा चाहिए तो वक्त ले सकती हो, मतलब कि हाफ डे, वन डे, टू डेज, लेकिन 3 दिन से ज्यादा नहीं। एक बार तुमने मुझे आई लव यू कह दिया तो उसके बाद हमारे बीच में किसी तीसरे को आने भी नहीं दूंगा। ये अपनी जुबान, या फिर यूं समझ लो कि बड़े स्क्रीन का आशिक तुम्हारे सामने खड़ा है, असली जिंदगी वाला। 3 दिन। भाई चेस खेल रहे हैं यार, अपना राजा खतरे में है। हाय, सनी ने भाभी को फूल दिया और आई लव यू भी कहा। भाई ये रहा चेक और ये रहा मेट। क्या खबर लाया? माँ बाप ऐसे नालायक बच्चे को कॉलेज क्यों भेजते हैं? किसने चुम्मा दिया, किसने आई लव यू कहा, ये खबर बताने के लिए? पढ़ाई में अपना ध्यान दे वरना मेरे जैसा बन जाएगा। जा खबरी साला। चिकन मिट था ना? रॉन्ग स्टेप था भाई। इंटेलिजेंट बॉय। अब हुआ सही चिकन मिट, तू हार गया। क्या वो श्रुति बहुत सुंदर है? हाँ दीदी, तुमसे भी बहुत ज्यादा सुंदर है। अरे क्या खाक सुंदर है, इसका यही रवैया रहा तो बहुत जल्द भवानी इसका रवैया वस्ता वैया कर देगा। सुन छोटे, देख किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने का, अपने प्यार को हासिल करने का। उसने ज्यादा नाटक किया तो जीजू है ना, इनके भरोसे रहे तो जरूर मरेंगे। अरे यार वो खुद भवानी से डरती है तो तुझसे कैसे प्यार करेगी? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, सच्चे आशिक पीछे हटते नहीं। श्रुति के दिल से मुझे बस डर ही निकालना है। क्या बस, कैसा चल रहा है? वेरी नाइस सर। श्रुति सुना, श्रुति हसन की सीढ़ी है क्या? वी हैव सर। श्रुति हसन, कमल हसन की बेटी रे, वही जानता नहीं क्या? हाँ मुझे मालूम है सर। बिल प्लीज। भक्ति रंजनी, बाली उम्र में ही बुढ़ापे का असर। इस उम्र में ऐसी सीढ़ी सुनोगी तो हमारा क्या होगा? सुनो।
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ऑलरेडी बहुत परेशान किया है, तुम तय मत करो मुझे क्या सुनना है, चलो जाओ यहाँ से। मैडम माइंड योर लैंग्वेज, ही इज माय बेस्ट कस्टमर, आप जा सकती हैं। तो इसे रखो, मैं जा रही हूँ। और आपको कुछ चाहिए सर? तूने मेरी डार्लिंग को हर्ट किया? मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा था। सपोर्ट सर, ये सीडी नहीं लेंगे? श्रुति नहीं रही तो हसन को दो, तू रख ले। सुबह से एक भी नहीं बिकी सर। सीडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको रैपर में बंद करके अपने डस्टबिन में डाल दे। श्रुति सुनो ना, जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल रात को जोरों से धड़कता है। हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखा दो। आंखें बंद करता हूँ तो तुम ही दिखाई देती हो। आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ। जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मैं नाचने लगता हूँ। तो तुम पागल हो गए, मेंटल हॉस्पिटल जाओ। तुम ले चलो ना मुझे। चलो। चलो। ये क्या कर रही हो? अगर भवानी के आदमियों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो मार देंगे। बहाना ढूंढ के हाथ पकड़ने का अच्छा आइडिया है। तुम एक काम करो, थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुक जाओ, मैं उन्हें ज्ञान दे के आता हूं। रुको रुको रुको। ओए, मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब करने क्यों आ गए? जाओ अंदर जाके कॉफी पियो। भाई आपके पैसे। ओह कलेक्शन, मैंने सोचा शॉपिंग। खैर अपने बॉस को जाके ब्रेकिंग न्यूज देना, श्रुति 2-3 दिन में मुझे हाँ बोलने वाली है। अपने बॉस से कहना मेरे शादी के बारात तैयार रखे। क्या रे, मारेगा? मारेगा मुझे? मार 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 मार। छोड़, जाने दे इसको। उसे मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। अगर हमने कुछ किया तो भाई का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। अगर कुछ नहीं किया तो इस लव स्टोरी में वो हीरो बन जाएगा। ये तुमने उनसे क्या कहा? क्या गलत कहा? 2-3 दिन में तुम मुझे आई लव यू कहने ही वाली हो ना? मजा आया तुम्हें? अब वो जाकर भवानी को कह देंगे और वो तुम्हें मार डालेगा। इश्क का भूत उतार क्यों नहीं देते दिमाग से? पता नहीं अब तुम्हारा क्या हाल करेगा वो। सब तुम्हारी गलती है। बहुत बहादुर हो ना, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मुझे मत ठहराना। सुनो मुन्ना, लड़के प्यार में हमेशा खुश लगते हैं, पर ये लड़कियां हमेशा रोती क्यों हैं? पर उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग जरूर है। ए मुन्ना, तू बहुत लकी है रे। मालिक उसका नाम सनी है और वो इसी शहर में रहता है। वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा क्यों ना हो, तुम उसे मेरे पास लेकर आओ, वो भी सही सलामत। समझे कि नहीं? हेलो, मामा जी फोन। हेलो, प्रॉब्लम क्या है इसकी? हेलो हेलो हेलो, अरे यहाँ हूँ मैं। तुम यहाँ आ गए? सीधे मेरे बेडरूम में जाओ यहाँ से। वो तो जाऊंगा मैं, पहले ये तो बताओ फोन पर मेरी हेलो हेलो सुनने के लिए फोन करती हो क्या? मैं तो बस चेक कर रही थी तुम्हारा फोन चल रहा है कि नहीं। ऐसा है क्या? मेरा फोन तो अच्छी तरह से चल रहा है, पर तुम्हारा फोन चल रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो भूल ही गया था कि रात के 11 बजे बॉयफ्रेंड कहाँ पर है, ये देखने के लिए फोन किया था। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, जाओ जाओ। मुझे भी दिख रहा है। कितना भी खींचो लंबा नहीं होने वाला। वो ठीक है, कल सुबह 9 बजे बस स्टॉप पे मिलना सामने वाले। हम दोनों बाइक पर जाएंगे कॉलेज में। तुम्हें क्या लगता है मैं आऊंगी नहीं आऊंगी? ये खींचा तारी बंद करो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या मालूम है? ना तुम आई लव यू कहती हो, ना बाहर घूमने चलती हो। तुम्हारे लिए भवानी ही ठीक है। अब क्लियर जवाब दो, तुम आओगी या नहीं? नहीं आऊंगी। सुनो, अगर तुम बस स्टॉप पर 9 बजे नहीं आई तो 9:05 पर मैं भवानी के पास चला जाऊंगा। आ रही हो ना? नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी। 9 बजे कहा था, उससे भी जल्दी आ गई। मेरी बस ना छूटे इसलिए मैं जल्दी आई हूँ। बहाना ठीक है, चलो बैठो। बैठ जाओ, कोई जबरदस्ती है मैं नहीं बैठूंगी। ऐसा सनी, अगले सुन, भवानी भाई को फोन दे। अच्छा चलो मैं बैठ गई हूँ। एक ही बार में बात समझ में नहीं आती क्या? चलो ना। ये गिफ्ट तेरे लिए नहीं है, चल रखे से। तुम माला ये सुंदर। शादी की सारी तैयारी हो गई ना? हाँ, सब तैयारी हो गई। ये रजिस्ट्रार कहाँ है? सर मैं भी रेडी हूँ। सर अपने पास वक्त बहुत कम है, जल्दी शादी करवा दो। हाय श्रुति। मधुबाला तुम यहाँ कैसे? मेरे बगैर ये शादी कैसे हो सकती है? ये क्या कह रही हो, तुम भी इनके साथ शामिल हो गई? गप्पे बंद करो, ड्रेस चेंज करो। मैं चेंज नहीं करने वाली,
भूल जाओ। हेलो, तुम्हारी शादी नहीं है, इसकी शादी है। अपनी शादी में टाइम है। मधु, ये क्या अचानक शादी का फैसला कर लिया? तुम तो जानती हो ना कि भावेश मुझे बहुत पसंद है। बिजनेस प्रॉब्लम्स की वजह से उसके घर वाले और मेरे घर वाले इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। इसी टेंशन में मैं घुट घुट के मर रही थी। उस वक्त सनी ने हिम्मत दिलाई और हमारी बहुत मदद की। हमारे अपने भी कोई काम नहीं आए, पर पराया होकर भी सनी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। श्रुति, सच में सनी बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ साइन कीजिए आप लोग। साइन करो। अरे तुम साइन नहीं करोगी ना तो इनकी शादी शादी नहीं होगी। अच्छा, इन दोनों को एयरपोर्ट ड्रॉप करके आओ। ओके, ड्रॉप करके आते हैं। चलो बैठ जाओ नई नवेली दुल्हन। श्रुति, मैं बाइक लेके आता हूँ। श्रुति, श्रुति, ए भवाने, मैं नरसिंह यादव का छोटा भाई। तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। नहीं नरसिंह, ध्यान से सुन, अपनी छमिया को बचाना चाहता है ना तो चुपचाप मेडिकल कॉलेज में आ जा। हेलो, हाँ भाई, लड़की हमारे कब्जे में है भाई, हम अड्डे पे ला रहे हैं उसको। हाँ भाई, ठीक है भाई। अरे जल्दी भगाना। गुंडों से भागती हो, इन गुंडों से भागती हो, कब तक तुम ऐसे गुंडों से भागती फिरोगी? तुम्हारे अंदर के डर की वजह से ये तुम्हें और डरा रहे हैं। जो इंसान जुल्म सहता है वो भी एक तरह से गुनहगार ही है। अंदर के डर को निकालो। ए, वो हमारा शिकार है, इधर भेज। ए, जो अपने प्यार को इतनी आसानी से किसी को दे दे वो नपुंसक ही होगा, पर जो फौलाद की तरह अपने जान से भी प्यारे इंसान के हर कदम पर उसका साथ दे वही असली लवर होता है। मैं इसका लवर हूँ। अगर तुम में से किसी एक ने भी इस लड़की को छूकर दिखाया तो ये लड़की तुम्हारी है। टच करके दिखा। जा रे कालू, इसको टची फीलिंग दे के आ जा। Oh!
देखा तुमने, देखा तुमने मुझे और कितना तड़पना होगा तुम्हें पाने के लिए। क्या मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ तो तुम मेरे लिए जी नहीं सकती क्या? जी नहीं सकती क्या? जी नहीं सकती क्या? जी नहीं सकती क्या? मुझे भी जीने की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। I love you so much. श्रुति कहाँ है? ऐसे हंस क्यों रहा है? बता। कोई हीरो आया, उसे ले गया। तेरी पहुंच से बहुत दूर, तेरा पत्ता तो साफ। तुझे पता है मैं इतना खुश क्यों? क्योंकि तेरी बैंड बजाने कोई आ गया है। वो लड़का सिर्फ उसे प्यार नहीं करता, श्रुति भी उसे प्यार करती है। अब आएगा स्टोरी में मजा। अब तू क्या करेगा? तेरी नैया तो डूबी। तूने मेरे भाई पे गोली से वार किया था, उसने तेरे दिल पे वार किया, मजा आ गया। यही तो मैं देखना चाहता था। जैसे तेरे भाई को मारा, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। राका। हाँ भाई। सीनू को इसी वक्त मेरे सामने ले आ। जल्दी कर। से भी ढूंढ, मुझे वो चाहिए। शहर का कोना कोना छान मार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मुझे वो रोमियो हर हालत में चाहिए। भाई देखा, क्या खेलता है ना धोनी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है पर टीवी ठीक से नहीं चल रहा। ए टकले, पैसे भरते हो ना केबल के? वो क्या था? पट गई। वो तुम्हारी श्रुति है ना, मेरे प्यार में पड़ गई है पूरी तरह। गहराई में, मेरे प्यार के समुंदर में डूब गई है, मां कसम। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? एक श्रुति का नंबर है। हाय जानू। हाय क्यूटी। अच्छा सुनो ना, आई लव यू कहो ना मुझे। तुम भी ना सनी। बोलो ना प्लीज। आई लव यू सनी। ऐसा नहीं सुना, थोड़ा सा रोमांटिक होकर फील में कहो ना। अच्छा आई लव यू जानू। अच्छा लगा। वो डायलॉग कौन सा था जो तुम दिल से फील करती हो? तुमने चिपक कर बोला था मुझे। मैं खामखा डरती रही, अब मुझे किसी का डर नहीं। I love you, सनी। क्या डायलॉग मरे? कुछ भूल गई क्या? अब मैटर क्लोज। तुम्हें लगा वो मुझसे प्यार नहीं करेगी, लेकिन वो प्यार कर बैठी। तुमने कानों से ही सुना। अब अपनी डील खत्म, हम फ्रेंड्स हैं सब। ओके ओके। सुन टकलू, भाई को संभालना। जरा दे भाई, अपने लिए भी कोई एक लड़की ढूंढ लेना। मैं भी ट्राई करूंगा। हाँ चलता हूँ। श्रुति को आज शॉपिंग कर। hey! तुझे लगता है तू पीपी करता चला जाएगा और मैं सुनता रहूंगा? मैं श्रुति को किसी भी कीमत पर भूल नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मारो साले को। ऐसी गलती कभी मत करना। मुझे टच करने की कोशिश की तो किसी को भी टच करने लायक नहीं रखूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा, वो भी जिंदा। लाइफ टाइम ध्यान में रखना। मुझको मारो यार। हाँ।
ऐसा क्यों किया बे? जाना तुझे बैठ जा बोला ना। मैंने उस दिन तुझे शांति से बोला था मेरे से पंगा नहीं लेने का। तू मुझको नहीं जानता, मैं अपने गांव का भाई हूं। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, अड्डा, गली का नुक्कड़, चौराहा, किसी से भी मेरा नाम पूछ लेना तो सभी यही कहेंगे कि मैं खिसकेला हूं। आज तक किसी ने टच नहीं किया। हम दोनों के बीच में ये क्यों भुदक रहे? सुनो, आज तक श्रुति को तुमने अपनी झूठी पावर की वजह से डरा कर रखा था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, वो भी आज के बाद। श्रुति मुझसे प्यार करती है, श्रुति मेरी है। अगर हम दोनों के प्यार के बीच में कोई आया तो उसे तोड़ दूंगा मैं। बीच में मत आना। रुक जाओ अवानी, ये तुम्हें क्या लगा रखा है? मैं चाहूं तो तुम्हारी इज्जत की अब भी धज्जियां उड़ा सकता हूं। मैंने तो तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करने की छूट दी थी और तुमने दिल लगा लिया किसी और से। अरे भवानी, ये मेरी बेटी को कहां ले जा रहे हो? ए ससुर जी, ये मेरी फिक्स डिपॉजिट थी जो अब मैच्योर हो चुकी है, इसे अपनी बनाने ले जा रहा हूं। कल इनसे शादी करूंगा। श्रुति, श्रुति, श्रुति। मेरी मंगेतर होकर किसी और के साथ ऐश करती है, कल ही हमारी शादी होगी। किसी दोस्त को बुलाना है तो बता दो, मैं बुला दूंगा। ए, एक दोस्त है, वही जो तुम्हारी लाइफ में घुसकर तुम्हारे और तुम्हारे आदमियों की वाट लगा रहा है। हिम्मत है तो उसे बुलाओ, अगर वो तुमसे हार गया तो तुमसे शादी कर लूंगी। क्या कर लेगा वो? मैं उसे भी बुलाऊंगा। उसे बुलाकर मैं अपनी शादी में उससे मैं बैंड बजवाऊंगा, देख लेना। भाई पहरा एकदम टाइट है, आप फिकर मत कीजिए। सनी को आने दे, फिर पता चलेगा। तेरे मन में कुछ और है क्या? ऐसा कुछ नहीं भाई। जो कुछ भी तेरे मन में चल रहा है जरा खुल के बता हमें। मुझे तो यकीन है सनी पक्का आएगा। देखा, ये होता है कॉन्फिडेंस। भाई हम पर भरोसा रखो, वो आप ही गया तो जिंदा लौट के नहीं जा पाएगा। अगर आज यहाँ कोई गड़बड़ हुई तो ये याद रखना, तू जिंदा नहीं रह पाएगा। इनविटेशन है भाई, भाई ने खुद ही बुलाया। अगर डर लगता है तो मैं जाता हूँ। ए, हमारे भाई किसी से नहीं डरते। वाह 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 वाह, भाई मैं आ गया। मंगलम गौरी काक्ष। वाह 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 वाह, क्या गेटअप है, क्या सेटअप है, कमाल है। मैं तो डर ही गया था, कहीं आप मेरी फैमिली को मार तो नहीं डालोगे। डर के मारे नींद भी नहीं आई। अब ठीक है, आपने मुझे खुद अपना शादी का कार्ड भेजा, अब बंदा खुश है। ए टकलू, हाँ? सारा बंदोबस्त हो गया है ना? हाँ। अबे सुबह में नाश्ता नहीं किया क्या? जोर से बजाओ ना। अच्छा मैं यहाँ फ्रंट रो में बैठकर शादी देखता हूँ, ठीक है? क्या हो रहे, ऐसे घूर क्या रहे? तेरा प्लान क्या है सनी? कितने आदमी है? पूरे 100। तुम 100,
मैं अकेला, क्या प्लान बनाओ, जाओ पानी लेके आओ। केशव माधव नारायण, केशवाय मस्तु, माधवाय मस्तु। सॉरी भाई, मुझे नहीं देखा जाएगा। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत समझाया कि तू मत जा, तू नहीं देख पाएगा अपने लवर की शादी। बहुत समझाया पर मैं नहीं माना, फिर भी मैं शादी देखने आ गया। ये बर्बादी तुम्हें मुबारक हो। सनी, तुम हीरो होकर अपनी हीरोइन को विलन के हवाले छोड़कर जाओगे? कितने आदमी हैं? पूरे 100। मैं अकेला आदमी नहीं लड़ पाऊंगा। रुक जाओ सनी, मुझे हैप्पी एंडिंग्स बहुत पसंद है सनी, इसलिए मैं ये शादी नहीं देख सकता। ये तो सेंटिमेंटल हो गया। हेलो, अरे अब तक आया नहीं तू? श्रुति अभी अभी तो मंडप में आई है। आता हूँ ना। तुम्हारा कोई प्लान है ना? देखते जाओ। इतनी स्पीड में बाइक भगाई है, कोई हमारे पीछे नहीं आएगा। श्रुति को किडनैप क्यों किया? वो इस वक्त कहां जा रही होगी? उस स्कॉर्पियो में जो गुंडे हैं वो मेरे नहीं हैं। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, ना ही कोई लेना देना। जानते हो उन गुंडों को किसने भेजा? कौन है जो मुझसे भी बड़ा और खतरनाक गुंडा है जिससे पूरा शहर कांपता है? ठाकुर बलवंत सिंह। तेरी तो ठाकुर बलवंत सिंह के खिलाफ जाएगा तो तू अपनी जान से जाएगा। बलवंत सिंह ने श्रुति को किडनैप क्यों किया, यही डाउट है ना? जब तुम अपने घर से ट्रेन में यहाँ आ रहे थे तो ट्रेन में तुम्हारे कुछ लड़कों से लड़ाई हुई थी ना? नहीं छोड़ूंगा, छोड़ मुझे। उसी ट्रेन के डब्बे में एक लड़की थी जो फाइट देख रही थी। असली ट्विस्ट यहाँ है, बताऊं तुम्हें? उस लड़की को तुम्हारी अदा, तुम्हारी फाइट, तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारी हीरोपन थी इतनी पसंद आई कि वो तुमसे बहुत इंप्रेस हो गई। और वो लड़की बलवंत की प्यारी बेटी है। वो
वो बलवंत सिंह की इकलौती और लाडली बेटी है। बेटी ने आज तक जो चाहा बलवंत ने उसे ला कर दिया। ना जाने कितने महीनों से वो तुम्हें हमारे शहर की गलियों में अपनी बेटी के लिए खोज रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम सनी को नहीं पकड़ पाओगे। पर हर जख्म का इलाज है। उसका एक आदमी बाबू जो तुम्हारी तलाश कर रहा था, वो इंक्वायरी करने मेरे पास आया। मैंने बलवंत से कहा, आप सनी को कभी किडनैप नहीं कर पाएंगे तो क्यों ना आप श्रुति को किडनैप कर लें? इस तरह सनी जरूर आ जाएगा। अब तेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, या तो बलवंत की लाडली बेटी से शादी कर ले, दूसरा उसके हाथों अपना सिर कटवा ले। बहुत अच्छे, पहले तो तुमने मेरी कमजोरी जान ली और उसका इस्तेमाल करके मुझ पर ही उल्टी चाल चली। आई अप्रिशिएट यू। यहाँ आने की मैं दाद देता हूँ। अब तक तुमने जिस सनी को देखा वो शहर का सनी था, पर उस गांव के सनी को तुमने अभी तक पहचाना नहीं है। श्रुति को मुझसे अलग कर दे ऐसा माई का लाल आज तक नहीं जना है इस पूरी दुनिया में। सनी जमाई राजा बनने वाला है इस घर का। हमारा कहना मानोगी तो शादी के बाद तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई चालाकी की तुमने तो अफसोस करोगी। ए, बलवंत सिंह कौन है यहाँ पर, फटाक से बता। दिखा दत्ता, क्या हमारा हीरो कितना स्ट्रांग है? बहुत स्ट्रांग है। अच्छा रोक लिया वरना कुवारा ही मर जाता। सनी काय को रुक गए, आओ ना, मारो ना, मारो 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 मारो। शाबाश, मेरे ही घर में आके मेरे ही गुंडों की धुलाई की, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है दत्ता जी। माने ये तो किसी बब्बर शेर से कम नहीं है। जाओ अपना काम करो, चलो। ए बलवंत सिंह, तुझे लगता है कि मैं श्रुति को यहाँ से नहीं ले जा सकता? एक मिनट में तेरी आंखों के सामने से उसको लेकर फुर हो जाऊंगा। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो क्या है ना, मुझे भी तो आप जैसे किसी महान गॉडफादर की जरूरत है। अरे आजकल तो रोमिंग भी फ्री हो चुका है, एक कॉल करके बुला लेते। फाइनली 100 बात की 1 बात, इतने बड़े राजमहल की इकलौती राजकुमारी शर्मिली जो तुम्हारी बेटी है उससे शादी करने के लिए ये सनी। ओके। लेकिन तू तो इस लड़की से प्यार करता है ना? अंधा प्यार है वो, अंधा। ये एक मिडिल क्लास लड़की है, यानी कि मिडिल क्लास लाइफस्टाइल। सुनो श्रुति, आज से हम दोनों का ब्रेक ऑफ हो चुका है, तुम भी कोई मिडिल क्लास लड़का देखकर सेटल हो जाओ। वाह 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 वाह, क्या बात है, तुम तो महान खिलाड़ी निकले। कब किस लड़की को पटाना, कब अपना मतलब दिखे तो किसी और को चिपकाना, अच्छी तरह जानते हो तुम तो। तोभो सुन दत्ता, देखा मेरा दामाद तो मुझसे भी ज्यादा हलकट निकला। एरो
कल तेरी शादी मेरी बेटी से पक्की। कल ही? इतनी जल्दी क्या है, कम से कम 10 दिन का टाइम तो दीजिए मुझे। 10 दिन चाहिए, वो क्यों? क्या है कि आपकी बेटी मुझे ठीक से जान लेगी, मैं उसे जान लूंगा। वो कहते ना कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स अच्छे से हम जान जाएंगे और हैप्पी हो जाएंगे। देखा दत्ता, मेरा दामाद कितना सुलझा हुआ है। सच कहूं मालिक, ये हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है। एरो, कल तेरी शादी फिक्स, कोई बहाना नहीं चलेगा। पिताजी, जुदाई में इतने दिन निकल गए, 10 दिन और सही। वैसे इसकी बेटी इतनी बुरी भी नहीं है, कल कर लो ना, अच्छा रहेगा। अगर आपने उसे फोर्स किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। खुदकुशी नहीं बेटा, हम उस दिन का इंतजार कर लेंगे। सुंदरता, मेरी बेटी खुश है, ये शादी बड़े धूमधाम से होनी चाहिए। मालिक, दूसरी वाली का क्या करें? जब तक शादी नहीं हो जाती, बेहतर होगा उसे यहीं पर रहने दो। सुनो सनी, चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मालिक, बलवंत की बेटी की शादी 10 दिनों में होने वाली है। बाबा, मैं कसम खाता हूँ कि बलवंत को मैं 10 दिनों में खत्म करके रहूंगा। बापू, आप पिछले 25 सालों में यही तो कहते आ रहे हैं। बेटा, वो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, असली टेक बाकी है। आप उससे बदला लोगे 1 फुट जमीन के लिए? उस बलवंत के पास 500 एकड़ जमीन है और हमारे पास भी 500 एकड़ है। उन्होंने हमसे 1 फुट क्या छीन लिया, उनके 500 को हमारे पासों में जोड़ना चाहते हो? कोई बीच का रास्ता नहीं था क्या? बेटा, 50,000 की नौकरी छुड़वा दी। बाबा 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 बोल के इस ओपन किचन का बावर्ची बना कर रखा है। भूख लगी है सेठ, लो ठूसो। रोज एक ही मेनू, तेरी जोरू हूँ जो रोज अलग अलग बनाऊं। तो मैं काम करता हूँ, फ्लाइट से दिल्ली होकर आता हूँ, फिर इस केस को खत्म करता हूँ। यहाँ खाने को पैसा नहीं है, फ्लाइट में कैसे जाओगे? बिल्कुल नहीं वकील साहब, पैसा पानी की तरह बहा दीजिए, केस हमें ही जीतता है। सनी को 3 जगह पहुंचा दिया, अब फोन करके चिढ़ा लो उसे। कहां गई है श्रुति? हेलो, क्या हाल है सनी? मैंने सुना कि जो ठाकुर की बेटी से 10 दिनों में शादी कर रहा है। ना रे मुन्ना, क्या है, अभी तक बलवंत ने मुझे ठीक से पहचाना भी नहीं है रे, इसलिए 10 दिन मुझे ग्रेस में दी। अब देख कैसे श्रुति के साथ हुर हो जाता हूँ। सुने घोचू, तेरे नजरों के सामने मैं तेरी मंगेतर को भगा लिया है, यहाँ से फुरना तो बहुत आसान है। अगर तेरे में हिम्मत है, जिगर में कलेजा है, भेजे में अकल है, तो यहाँ आकर मुझे रोक के बता। ए श्रुति, नो नो, ए लव मी प्लीज, ओ नॉटी गर्ल। सनी, ओए चल निकल। नाम क्या है तेरा? श्रुति। मेरा नाम है शर्मिली। ये देखो, मेरे पिताजी ने जोड़ी में सारी चीजें ली हैं, तुम चाहो तो शेयर कर लो। हाँ, पर पति शेयर नहीं करूंगी, वो तो सिर्फ मेरा है। कहाँ गई श्रुति? मैंने जब सनी को देखा तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया। सनी है ही कुछ ऐसा, इसीलिए तू भी फिदा हो गई। अच्छा एक बात बता, तू फिल्में देखती है? फेवरेट एक्टर कौन? बहाने से मुझे बुला रहे हैं। ये सनी की तो मुझे बुलाया। अरे बाप रे, नाम के तरह शर्मा रही है। हाय शर्मिली। अरे बाप रे, मैं क्या कहूँ, मुझे तो शर्मा रही है। रुको शर्मिली, तुम्हें अब मेरे साथ फ्री होना पड़ेगा। फ्री जैसे? फ्री जैसे फ्रेंडली। तो हो जाए दोस्ती, हाथ से हाथ मिलते हैं तो दिल भी मिल जाते हैं। शर्मिली, अपने बारे में बताओ। मैं फुल स्मार्ट हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं अपने बाप की लाडली हूँ। अगर कोई मेरा दिल तोड़ता है तो पिताजी ऐसी धुलाई करते हैं कि क्या बताऊँ। यही तो मुसीबत है। और क्या? हाँ, फिल्म में तो जैसे मेरी जान है, खासकर रोमांटिक सीन मुझे बहुत पसंद है।
और लव मैरिज करना तो मेरी लाइफ का ओनली एम्बिशन है। तो फिर मुझसे शादी क्यों? अहुआ, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे लव करती हूँ। वो क्यों? क्यों क्या मतलब? तुमने ट्रेन में जो फाइट की, गुंडों को उठा उठा कर यहाँ से वहाँ फेंका, उनकी हड्डियों का तो चूरा चूरा ही कर दिया। फाइट से लव है तुम्हें? सिर्फ फाइट से ही नहीं, तुम्हारी स्टाइल, डायलॉग, जमीन पर क्या पटकते हो और तुम क्या स्टाइल में बात करते हो, तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। क्या मस्त एक्शन किया रे। तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? शर्मिली, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पसंद करती हो। प्यार और पसंद में कोई फर्क होता है क्या? थोड़ा सा फर्क है। कैसे समझाऊं? अब जैकी चैन की फाइट पसंद है? पसंद है। प्रभुदेवा का डांस? हाँ, मस्त है। परेश रावल की कॉमेडी? बहुत ज्यादा। क्या तुम इन सबसे प्यार करती हो? चल नारे। करेक्ट। वैसे ही तुम सिर्फ मेरी स्टाइल को पसंद करती हो और इस बात को प्यार नहीं कहा जा सकता। तो फिर लव क्या होता है? लव होता है एहसास, झटका, नशा। पहली बार जब श्रुति मेरे सामने आई, मेरे दिमाग में टंग से घंटी बजी। मेरा दिल उसके लिए जोर जोर से धड़कने लगा और ऐसे ही लव एट फर्स्ट साइट हुआ। श्रुति। ए मजनू। शर्मिली, तुम्हारा लव वन साइडेड है, अगर लव टू साइडेड हो तो बनती है सबसे परफेक्ट लव स्टोरी। ऐसा क्या? अच्छा ये बताओ, ट्रेन में मुझे पहली बार देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में घंटी बजी थी? नहीं। तो फिर ये लव कैसा? मतलब हमारी लव मैरिज नहीं हो सकती? अरेंज मैरिज। तुम्हें मेरी स्टाइल पसंद है और मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड, तो इस सब में लव का सवाल ही कहाँ पैदा होता है बताओ। मेरा लव मैरिज एम्बिशन? सनी, मुझे लव कब होगा? जब तुम्हें लव होगा तब दिमाग में घंटी बजेगी, तब शादी कर लेना। घंटी बजेगी, घंटा बजेगा। तेरे दिल में घंटी बजती है तभी तो लव होता है, अगर दिल में घंटी नहीं बजे तो फिर। सनी बिल्कुल सही कहता है, जब लव होता है तो दिल में घंटी सी बजती है। मेरे दिल की घंटी कब बजेगी? आओ भवानी आओ। अरे तुम तो बिन बुलाए मेहमान की तरह शादी में ऐसे ही टपक गए। सनी को आपको सौंप दिया, अब मैं श्रुति को ले जाने आया हूँ। अरे तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है, श्रुति अब शर्मिली की शादी के बाद ही जाएगी। अगर सनी ने श्रुति को किडनैप कर लिया तो? तुम मेरे दामाद पे शक कर रहे हो? अगर मैं शेर हूँ तो वो सवा शेर है। वैसे भी मुझे तुम्हारे मसले में नहीं पड़ना। ए सुंदरता, जा लड़की को ले आ। अभी लाया मालिक। वो बहुत ही प्यारी और नाजुक लड़की है, उसका अच्छे से ध्यान रखना तुम। मालिक, वो लड़की अपने कमरे में नहीं है। अरे दिमाग लगाओ, सनी को ढूंढो। मालिक, सनी भी घर पे नहीं है। मैंने कहा था ना, वो आपको चूना लगा गया। चुप, मुझे चूना लगाएगा? सनी के बच्चे। मुझसे होशियारी। क्या हुआ? बंदूक क्यों? छुप क्यों रहा है तू? अरे क्या हुआ? सनी, सनी, ये तो लुका छुपी खेल रहे हैं। सनी, पकड़ लिया तुम्हें। अरे पिताजी, ये बंदूक से आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा था, जैसे तुम लोग लुका छुपी खेल रहे थे मैं चोर पुलिस खेल रहा था। झूठ। शर्मिली। ये यहाँ क्यों है? बाथरूम जाने से कैसे रुकूं मालिक? अंकल ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं हुआ दामाद जी। अगर कुछ हुआ नहीं है तो ये भवानी यहाँ पर क्या कर रहा है? झूठ बोलते हो क्या? यही है ससुर दामाद का रिश्ता? अब मैं क्या बताऊँ, ये यहाँ श्रुति को लेने आया था, हमने उसे हर तरफ ढूंढा, हमें लगा तुम उसे भगा कर ले गए, ऊपर से इसने कहा कि तुमने मुझे चूना लगाया, इसलिए मैं बंदूक लेकर आ गया। क्या कहा? आप इस लुखे की बातों में आकर उलझ गए? अरे मैंने आपकी बेटी को देखा तक नहीं, आपके कहने पर एक झटके में हाँ कह दिया और आपने मुझ पर शक किया, मुझ पे, होने वाले दामाद पे। ठीक है,
अगर आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दे सकता हूँ तो चलाइए गुली। नहीं नहीं चलाइए गुली, मैं ऐसे एग्जाम लेकर नहीं जी सकता। चलाइए गुली, मुझे नहीं जीना है, नहीं जीना मुझे। दमाजी आपका दिमाग खराब हो गया, एक ही पल में आप भगवान को प्यारे हो जाते। मेरी गलती थी जो मैं इसके बहकावे में आ गया। नहीं अंकल ये बात नहीं है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। आप इसी समय श्रुति को इसके साथ भेज दो। अरे तुझ पर भरोसा ना करने का सवाल ही नहीं उठता। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आप श्रुति को इसके साथ भेज दो। अरे नहीं मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आप श्रुति को इसके साथ भेज दो। अरे मैं 100% श्योर हूं कि श्रुति को तन मन धन से तू भूल चुका है, इसलिए शादी होने तक श्रुति यहीं रहेगी, और अगर कोई भी बीच में आए तो उसे मैं मार डालूंगा। अंकल जी अरे तू चिंता मत कर, मेरा फैसला अटल है। ए दत्ता चल। ठाकुर साहब अपनी बेटी की शादी का न्योता मुझे नहीं दोगे? पूरे गांव को खाना खिला रहा हूँ, तुम भी आ जाना। क्या कहा था तूने? जब चाहेगा श्रुति को भगा ले जाएगा, मेरे होते हुए तू कभी कामयाब नहीं होगा। या ना तेरी गैर मौजूदगी में मैं उसे भगा कर ले जाऊँ तो मर्दानगी कैसे, कायर ना है। श्रुति को अब मैं यहाँ से तेरे और तेरे लोगों के सामने से ही भगा कर ले जाऊंगा। रोक सके तो रोक ले। कुछ ज्यादा ही डायलॉग चिपका दिया क्या? वाली है, बहुत मजा आएगा। क्या कह रहे थे? मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, इसलिए मेरा ब्रेकअप हो गया है। हाँ? उस शर्मिली के साथ जाओगे तो? सनी इतने साल मैंने बहुत फाइट की, लेकिन इस तरह लड़की के साथ लॉस ऑफ फाइट मैं पहली बार कर रहा हूँ। मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे 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 कोऑपरेट करो, कोऑपरेट करो, कोऑपरेट करो। सनी ये तुम रोमांस कर रहे हो या रेप कर रहे हो? ये सब शादी के बाद ठीक लगता है। शादी के बाद मतलब तुम्हारे साथ या उसके साथ? बस करो। ओके। ये सब क्या कंफ्यूजन है? शादी किडनैप, शादी और भवानी भी यहाँ पर है। तुम बस मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। सुनो श्रुति, बलवन को चकमा दे के उसके इस राजमहल से निकलना बहुत ही आसान है, पर उस कमीने भवानी को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। ऊपर से उस शर्मिली के दिमाग से प्यार का भूत भी उतारना है। तुम सही वक्त का इंतजार करो। मेरी कसम ऐसा ही होगा। हम दोनों के प्यार की कसम। लगता आखिरकार हमारा सनी सुधर गया। देखो कितना बढ़िया खानदान ढूंढा। चलिए अंदर चल के लड़की वालों से मिलते हैं। ये बंगला नहीं महल है, देखा कितने इज्जतदार खानदान को मेरे बेटे ने पसंद किया है। कहाँ है मेरे समधी जी? ये आवाज कैसी? ये आवाज नहीं मौत की चीख थी। मालिक ये सनी के रिश्तेदार हैं। तुम में सनी का बाप कौन है? अब ये जरा चाकू देना। आप मेरे समधी बनने वाले हो। वाह 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 वाह, क्या लड़का है आपका, बिल्कुल बेशकीमती हीरा। मेरे खानदान को बिल्कुल आप जैसे लोगों की तलाश थी। हमारी बहू कहाँ है? पिताजी। हाँ बेटा समधी जी, ये आपकी बहू। पिताजी केबल टीवी नहीं चल रहा, उसके आप हाथ पैर तोड़ दीजिए। बेटी भी गुंडी है, एकदम बाप पे गई है। वो सब बाद में, देख तेरे ससुर आए, बेटी पैर छू उनके। ये तो कॉमेडियन लग रहे हो। अरे काहे के ससुर, मैं नहीं छूती। बेटे ऐसे नहीं करते, मान जाना बेटा ससुर है, पैर छू ले इनके। पिताजी जीती रहो बेटी। मेरे बाप का हमशक्ल। सर्वगुण संपन्न दिख रही हो। बापू अब अचानक कैसे आ गए? जरा बता के तो आते, चलिए अंदर चलते। अरे यहीं पे रुक, क्या तूने मुझे बताया? सीधा इसे प्यार कर बैठा, वो तो भला हो समधी जी का जो गुंडे भेज के हमें बुलवा लिया। ओ तो ये सब आपकी मेहरबानी। क्या ना बेटा शादी में वक्त कम है ना। चलिए अंदर चलिए, ठंडा तो पीने दे। लगता है यहाँ मामला गरम है, ठंडा भूल जाइए और अंदर जाके बात कीजिए। कैसा खानदान है, क्या बाप है और क्या बेटी है, फंसा दिया इसने। श्रुति मेरे डैड। जीती रहो जीती रहो, सर्व गुण संपन्न लगती हो। ये कौन है बेटा? आपकी होने वाली बहू है। बहू? फिर वो जिससे मेरी शादी होने वाली है। हा? So much confusion. Confusion मैं अभी दूर कर देता हूँ। मेरी बेटी खुश है, ये शादी बड़े धूमधाम से होनी चाहिए। अभी जो आपने देखा वो था फिल्म का ट्रेलर, वो भी फास्ट फॉरवर्ड। इसीलिए कहता हूँ यहाँ पर ज्यादा देर मत रुको, मौका मिलते ही यहाँ से खिसक लो, वरना तुम सबकी तस्वीरें। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन मैं सब समझ गया। इससे पहले कि बेटा दूसरी वाली के साथ फुर हो,
हम लोगों को यहाँ से उड़नछू होना होगा। क्या आपका सनी उस लड़की को भगा पाएगा? लड़कियों को भगाने के मामले में वो गोल्ड मेडलिस्ट है। ओ। वो ऐसा जादूगर है जिसकी एक ही धुन पर दोनों लड़कियाँ नाचने लगेंगी। मुझसे भी तेज निकले। जीप तैयार है, चलो चलो निकलते। जो बोला वो करके दिखाया ना। सनी, तुम्हारे पापा का क्या होगा? वो तो मुझसे भी दो कदम आगे हैं। तुम्हारी पूरी फैमिली पागल है। इसीलिए तो तुम्हें चुना। वाट लग गई। भवानी भी है। ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? उन दोनों का पीछा करो। चलो रे। सामने मंदिर है। स्टॉप इट श्रुति, स्टॉप इट। अब आखिरी बार सुन लो, मंदिर की कसम, इस मंदिर के भगवान की कसम, आखिरी सांस तक मैं शर्मिली से प्यार करूंगा। मालिक, हमने इसे कितना गलत समझा, यहाँ तो कहानी कुछ और है। और मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ। ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, 2% भी नहीं। तुम तो पानी कम हो उसके सामने। वो भवानी मुझे ससुर जी की नजरों में गिराना चाहता है। और तो और, मैं तुम्हें कहीं भी भगा के ले जाऊं, मेरे पीछे नहीं आएंगे ससुर जी। इतना भरोसा है मुझ पर वो कमीना भवानी। देखो तुम, दामाजी बाहर आ रहे हैं, चलो यहाँ से निकलो, निकलो। चलो पीछे चलो, जल्दी पीछे चलो, पीछे पीछे पीछे। ससुर जी, आप यहाँ? आज सोमवार है ना, तो शिव जी के दर्शन है। आज तो मंगलवार है ना। एक घन चक्कर, तुझे दिन याद नहीं रहते, आज सोमवार नहीं है। मुझे पता ही है, सब इसकी चाल है। रुक जाइए, जाने दो दामाजी, इसे मारकर आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो? अच्छा ये बताना, मेरे और श्रुति के बीच की बातें आप लोगों ने कहीं सुनी तो नहीं? अगर सुनी भी हो तो शर्मिली को प्लीज मत बताना, वरना उसका दिल टूट जाएगा। दामाजी। भाई, टोपी बिनाने में सनी ने सबको पीछे छोड़ दिया। ये टकले तो ज़्यादा मत बोल। लगता है तुझे सटकली। अरे कैसे दोस्त हो तुम? अरे दोस्ती निभा रहे हो या दुश्मनी? ऐसा ही हूँ मैं। अरे कितना अच्छा प्लान बनाया था, मैं और श्रुति दोनों भाग जाने वाले थे, लास्ट मिनट पे रिवर्स लेना पड़ा। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बचा लिया और वापस आना पड़ा यहीं पर मुझे। डैडी? वो तो हिमालय में वेकेशन पे थे। तुम्हें मैटर का कोई सीरियसनेस नहीं है ना? कोई आइडिया दो ना मुझे। सनी, 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 क्या हुआ शर्मिली? तुमने जो कहा ना वो करेक्ट है। ऐसा क्या कह दिया जो करेक्ट हो गया? जानते हो, जानते हो, मेरे दिल में ना घंटी बज गई। घंटी बज गई? कैसे, कहाँ और कौन है वो? देखो उसके लिए। बाबा, इसके लिए वो हुआ यू के।
सॉरी। और जानते हो क्या, वो भी हकलाते हैं। मतलब तुम हकलाती हो? हाँ सनी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुश्किल शब्दों पर कभी कभी मैं यूं हकलाती हूँ। वन मिनट। विनायक, तूने मेरे लिए जो कुछ किया वो एकदम ढासो था। अब मेरे और श्रुति के बीच में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि भवानी का टाका शर्मिली के साथ भिड़ा है। सनी भिड़े, दिमाग में कीड़े, जा मजा कर। I love you. शर्मिली, देख क्या रही है, तुम्हारी तो लव स्टोरी शुरू हो गई। यही लव है क्या? गारंटीड, दिल में घंटी बजी ना? बजी तो सही, लेकिन लेकिन क्या, 100% लव है। क्या होता है ना, पहले पैर को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम कुछ भी मत करो, अब तो ऑटोमेटिकली उसकी घंटी बज ही जाएगी। सनी, जो घंटी बजी है मेरे दिल में, पता ना चलने पाए किसी महफिल में। आला, शायरी भी करती है। ओए भवानी, लाइफ स्टोरी के वायरस, अब तेरी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। हाथ में संतरे बन गए, फिर जूस क्यों? भाई के दोनों बिजी है ना, चल एक और बना। ये बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं और मैं ब्रेन के लिए। जानता है, बॉडी कितनी भी मजबूत हो, ब्रेन काम ना करे तो कोई भी फायदा नहीं। एग्जांपल सामने ही है। भाई शुरू करो। चिंटू इसे बोल बकवास बंद करे, नहीं तो डंबल फेंक के मारूंगा। तू जाना भाई, बेकार में पंगे क्यों ले रहा है? भला क्यों जाऊं टकलू, ये मेरा ससुराल है। ये तो मेरा सर फुड़वा के रहेगा। क्या घूर रही है भाई इसे? इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। आइडिया। हाँ ठीक है टकलू, मेरा काम हो गया, मैं निकलता हूँ। चल जा अभी। कल फिर हंगर है टकलू, जूस पीने। अबे तेरा जूस निकल जाएगा। दोनों का काम चालू रखो। मरेगा अब। उसकी हरकतों से लग रहा है फिर कोई गेम खेलने वाला भाई। ये पानी में कौन गिरा? मालिक, पुराना विलेन नए हीरो के साथ पानी में गिरा। सॉरी। शर्मिली बहुत शर्मा रही है रे। जाओ ना सनी। मैं तो चला जाऊंगा, पर अपने पिताजी को तुम्हें खुद ही बताना होगा कि मुझे सनी से नहीं भवानी से लव हो गया। पर सनी, मेरी लाइफ में लव मैरिज नहीं है। क्या हुआ रे, ऐसा क्यों कह रही हो? ये लो, तुम्हें याद नहीं क्या, तुमने ही तो कहा था परफेक्ट लव स्टोरी वन साइडेड नहीं, टू साइडेड होती है तुम्हारी तरह। कहा था मैंने, क्यों कहा था मैंने? और भवानी तो श्रुति से शादी करना चाहता है, मुझसे प्यार क्यों करेगा वो? करेगा, दरअसल श्रुति के लिए उसका प्यार सच्चा नहीं है, ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जिस तरह से वो तुम्हें लेकर पानी में गिरा, फिर आपस में मिले, जिस तरह हाथ पकड़ा, आई गारंटी उसके दिल में घंटी बजी है। सच्ची ना? हाँ, कल शायद वो तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हारे आँखों में देख कर आई लव यू बोल दे। क्या तुम्हें लगता है जो तुम कह रहे हो वो हो सकता है? मेरी कसम खाओ। वैसे तो मैं कभी किसी की कसम नहीं खाता, सब अच्छा होगा। सनी, जब तक ना कहे वो अपने दिल की बात, किसी से ना कहना मेरे जज्बात। शायरी। अब भवानी के मुंह से मुझे आई लव यू बुलवाना पड़ेगा। कैसे बुलवाऊं? कैसे बुलवाऊं? कैसे बुलवाऊं? भाई सूरज उग गया।
टू, ये कैसे हुआ? क्यों नहीं हो सकता भाई, उस सिंगल बसले के सामने आपका क्या मुकाबला? देर आए दुरुस्त आए, आप बस मौके का फायदा उठाओ। स्टॉप इट मधु, बहुत हुआ। मैं सनी का नाम तक नहीं सुनना चाहती हूँ। पहले उसने मेरे साथ गार्डन में गाने गाए और फिर जब उसे बलवंत ठाकुर की पैसे वाली स्लिम ट्रिम लड़की मिल गई तो उस गिरगिट सनी ने अपना रंग बदल दिया। भगवान माफ करना, भवानी ने मेरा दिल जीतने की जी तोड़ कोशिश की और मैं उसका दिल तोड़ती रही। मैंने उसे गलत समझा, अब भवानी मेरे लिए विलन नहीं हीरो है। हीरो जानती है, भवानी को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए मैं तो तड़प रही हूँ। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, सडनली प्यार हो गया ना, कितना तड़पाया उसे। हम ऐसी जगह हो जहाँ कोई भी ना हो, रोमांटिक बातें हो, मीठा पान खा के थूके थू और उसे आई लव यू कह दूं। श्रुति नजारे अच्छे हैं। वो दोनों तो गोल गोल रानी खेल रहे हैं। कंफ्यूजन तो बढ़ता ही जा रहा है। अब ये और मेरी बहू, उसका तो कैरेक्टर ढीला है। हमारे हिसाब से इसके पैसे आने बाकी हैं। हमारे हिसाब से इन लोगों को निकलो यहाँ से, उसने हमें भी यहाँ देख लिया तो मार डालेगा। सही कह रहा हूँ। सॉरी सॉरी। हट मुआ, जब देखो सॉरी बोलकर भाग जाता है, कभी तो आई लव यू बोल दे। ए शर्मिली, खुश हुई ना रे? हाँ सनी। ए रुक रुक। सनी, तूने देखी उन दोनों की केमिस्ट्री? अब यहाँ हमारा काम नहीं है, चल चल। हाँ चल चल। तुम भी ना। तुम्हारा प्लान सुपर हिट है। 100 लोमड़ी मरी थी तब तुम पैदा हुए होगे। खबरी आ गया, हर किसी की खबर लेने। बाप रे, ये क्यों आया? कौन है ये? बलवंत जी के साले, इंटेलिजेंट ऑफिसर, कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। चलो देखते हैं। तुम्हारा नाम गोपी है ना? हाँ बिल्कुल सर। तुम चेहरे से सनी के दोस्त लगते हो और साथ ही बहुत बदमाश। और मैं? यहीं खड़े रहना, हम चेकिंग कर रहे हैं। तो अपनी माँ को भी जरा भेज देना, ठीक है? बोला था ना, इस घर का कोना कोना छान मारो, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? यस सर। गो। ये क्या हो रहा भाई? तबेले में चेक करो। मैंने तुझे शादी में बुलाया, ना कि कोई मंत्री के घर छापा मारने। खामोश। टॉयलेट तो अच्छी है, ये भी क्लियर है। रात को फ्री हो? मामा जी, आप यहाँ अचानक? गॉड ब्लेस यू बेबी। सेकंड और थर्ड फ्लोर पर जाओ, थर्ड फ्लोर नहीं है तो फोर्थ फ्लोर पर जाओ। इंटेलिजेंस ऑफिसर रिपोर्टिंग यार। सर एवरीथिंग ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। कैच इट, बेंच, कैच इट, स्टैम्प, झुको। इट्स माय ड्यूटी सर। कैच इट, गम, बजट नहीं है सर। ओके, ये लो। अरे शादी में मिठाई बांटने के बजाय तू पेपर क्यों बांट रहा है? बहुत मारूंगा तुझे। ड्यूटी, इट्स माय ड्यूटी। मैंने अपने जीजा के घर तलाशी कर ली है और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला, इसलिए ड्यूटी ओवर। कम ऑन बॉयज। यस सर। अरे रुक जा साले, यहाँ देख, मैं तुझे मेरे होने वाले रिश्तेदारों से मिलाता हूँ। ये जो है, ये है लड़के के पापा। यस सर। ये मामा। यस सर। ये फ्रेंड। यस सर। ये एनिमी। यस सर। वो लड़की की माँ, वो लड़की की चाची और आप लड़की के बाप। परफेक्ट सर। तुझे तो सब पता है, मैं हूँ खबरी लाल, हर बात की खबर रखता हूँ, सबको स्कैन करता हूँ। ड्यूटी ओवर सर। आराम का वक्त हो गया है, मूव। पीछे अरे सबसे मिल लिया, मेरे दामाद से तो मिल ले। सने। आज्ञा ससुर जी। खबरी लाल हो गई ना बत्ती गुल, देखिए फूल है ना कूल। नमस्कार खबरी जी, इसे स्कैन करता हूँ। पहुंची हुई हस्ती है, पूरी झोल पार्टी है, इससे बच के रहना पड़ेगा। करेक्ट है। तेरा भांडा तो मैं फोड़ूंगा और मैं तुझे। सर फ्लाइट पकड़ना है सर। मैं फ्लाइट नहीं पकड़ूंगा, किसी और को पकड़ूंगा। जाओ। यस सर। और वो नौटंकी साला। क्यों साले साहब, मेरा दामाद है ना हीरा। तुझे भले ही वो हीरा लगता हो पर मुझे पता करना है वो किस खान से आया है। खबरी लाल की इंक्वायरी शुरू। बोलो सनी। अर्जेंट बालकनी के पीछे वाले बरामदे में आ जाना, ठीक है? ठीक है। मैं भी आऊंगा। सनी, मेरी आंख में कुछ गया है। अच्छा? देखो ना। मुझे लगा है मेरी भांजी को
झांसा दे रहा है पर ये तो कंफर्म आशिक है। कैसा लग रहा है? सुपर्ब सनी। मैं मामा होकर इनकी जासूसी कर रहा हूँ, पर कहीं ये लोग सच में तो मुझे मामा नहीं बना रहे। श्रुति बोलो सनी, मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? मुझे तुमसे मुझे एक्चुअली वो क्या है ना श्रुति, मुझे कुछ हो रहा है। श्रुति क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है कि क्या? अबे ओए, सीरियल किलर तो बहुत देखे, ये तो सीरियल किसर है। मेरी नाजुक सी भांजी पर रहम कर। ओए सनी छोड़ देना, रहम कर, मेरी कोमल सी भांजी बहुत नाजुक है, सच में मुझ पर गई है, छोड़ दे रे पगले। अरे बाप रे सनी, तू शराफत की मूर्ति नहीं, बहुत ही टेढ़ा है। जानू अरे हाय जानू, निकलो। डैड, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम बलवंत के दामाद सनी को किडनैप करने आए हैं। ओ अच्छा, अब ये प्लान काम कर गया ना तो मैं सनी तुम ही हो ना? रुक बे, पर हुआ क्या? बलवंत के दामाद तुम ही हो? ए टाइम प्लीज, उसका दामाद मैं नहीं हूँ, भवानी। ये नहीं भवानी। करना क्या है? किडनैप। पर कैसे करोगे? ऐसे। पागल क्या क्या तूने? चलो डैड। अरे डैड। एक बात समझ में नहीं आई, ठीक है मैं समझाता हूँ। ये साला सनी दो दो मिनट में दो दो लड़कियों को किस करता रहता है। स्कैन करना पड़ेगा। ये कलर मुझे पसंद है। नहीं, मैंने नहीं, उसने दिया। उस सनी की तरह ये भी पहुंची हुई चीज है, उसने इसे किस दी और इसने इसे फूल दिया, जरूर कुछ गड़बड़ है। कौन है? कपड़े बदल रहा हूं। प्यारी श्रुति, मेरी प्यारी श्रुति। मेरी दरवाजा खोलो, जल्दी करो बेटा। इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी करो। टेंशन मत लो, दरवाजा खोलो, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे अरे ठीक तो है, छुप जाओ, नीचे जाओ। इतना टाइम क्यों लगा रही बेटी? सनी और श्रुति तो हटके हैं, शर्मिली भी है। टोटल गड़बड़। क्या हुआ बेटा, तुम क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं पिताजी। मुझे ऐसा लगा कि कोई तुम्हारे कमरे में आया है। यहाँ यहाँ तो कोई नहीं। क्या हुआ ससुर जी? कुछ खास नहीं दामाद जी, मुझे ऐसा लगा कोई कमरे में घुस आया है। क्या बात कर रहे हो, अंदर कोई घुसा है? अब भी उसके ढूंढ के निकालता हूँ, काट के फेंक दूंगा, बाथरूम में देखता हूँ। ससुर जी बाथरूम में तो नल भी नहीं है, इसके नीचे कबर्ड में होना चाहिए शायद। भगवान, कबर्ड में तो कुछ भी नहीं है, डाउट है तो आकर देख लो ना। तुम देखो मैं देखूं, एक ही बात है, चलो। ओके, अब क्या बचा है? सनी, तुमने खटे के नीचे नहीं देखा? टुकले। ध्यान से सुनो बेटा, दरवाजा बंद रखना, टाइम बहुत खराब चल रहा है। अब तेरा वस्त्र हरण होकर ही रहेगा। ससुर जी, क्या हुआ दामाद जी? बेड के नीचे कुछ भी नहीं है। फिर चिल्लाया क्यों? मुझे लगा कि आपको ऊंचा सुनाई देता है। मेरे कानपुर में हड़ताल नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए जाइए अपने रूम में जाइए।
आधी रात को डायरेक्ट बिस्तर के नीचे है, अच्छी सेटिंग है। सुनो, क्या वो मुझे यहाँ आई लव यू कहने आया है? अभी तो वो थैंक्स कहेगा, कल आई लव यू बोलेगा। कितनी खाई है, इनका हो जाए मैं छूट जाऊंगा। यहाँ कोई भी नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ। कुछ कहोगे नहीं तुम मुझसे? थैंक्स सनी, हमेशा ही सही बोलता है। अरे बाप रे, मेरे इंटेलिजेंट दिमाग को भी कंफ्यूज कर दिया। कोई बात नहीं, यहाँ रहकर इस लफड़े को मैं ही सुलझाऊंगा। इला, शादी की तैयारियां शुरू भी हो गई। अरे वाह वाह वाह, मेरी भांजी की शादी है, जल्दी चलो चलो। अरे तुम लोगों ने कुछ खाया भी है कि नहीं? अरे पंडित जी, मंत्र जरा जल्दी पढ़ना, पैसे लिए ना। भैया मैं आ गई। अरे हमारा हीरो कहाँ है? अरे तुम विलन की तरफ क्यों देख रही हो, सामने खड़ा है ना। ओ वाह, ये तो बहुत हैंडसम है, मुझे पहले मिला होता तो मैं शादी कर लेती। बस करो, खबरी बुरा मान जाएगा, जाओ अंदर काम पे लगो। हाँ उसी के लिए तो आई हूँ, चलो रे। क्या करूँ अब? क्या हुआ सनी, टेंशन में लग रहे हो? ओ भवानी मुझसे आई लव यू कब कहेगा? टेंशन मत लो, मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है। मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। ये क्या है देख? सेलफोन है। सेलफोन नहीं, इसके अंदर देख। 100% लव है। क्या होता है ना, पहले मेहर को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तुम्हारे आंखों में देखकर आई लव यू बोलते हैं। तुम्हारा प्लान सुपर हिट है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई? इस सॉन्ग का ये सिचुएशन से क्या वास्ता है भाई? है भाई, डेफिनेटली है। उस दिन हमारी मालकिन मटकते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। मालकिन कितनी खूबसूरत है ना। मालिक, तेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई। अगली बार मेरी बेटी का तुम्हारी सुबह पे नाम नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें काट डालूंगा। मैं गुंडा हुआ तो क्या हुआ, मेरी भी कोई फीलिंग्स है। तभी मैंने मन्नत मांगी कि मालकिन का पति हमसे और उनके पिताजी से भी बढ़कर कोई गुंडा होगा, और तभी तुम आ गए। दिल अपसेट हो गया, लेकिन नहीं, भवानी ने जैसे ही एंट्री ली मेरा दिल खुश हो गया। मेरे पास मालकिन और भवानी के बहुत से वीडियोस हैं, जिन्हें अब मैं सीधे मालिक को दिखाने वाला हूँ। तुम खुश हो ना, इससे तुम्हारा भी काम बन जाएगा, तो चलता हूँ। टकले, आज मैं बहुत खुश हूँ। सनी, फर्स्ट टाइम तेरे चेहरे पर कॉन्फिडेंस की जगह कंफ्यूजन देखा है। आई लाइक दिस फेस। तेरी शर्मिली से शादी होना तो पक्का है, और तुझे खुशखबरी दे दूं कि श्रुति अब तेरे लिए नहीं, मेरे लिए पागल हो गई है। वी आर इन लव। क्या रे हकले, तूने श्रुति को आई लव यू कहा है? नो। क्या श्रुति ने तुझे आई लव यू कहा? नो। तो फिर ये शर्ट और स्कार्फ किस काम का? पहले उसे आई लव यू बोल, और फिर उसका रिएक्शन आके मुझे बताना। नो, आई लव यू बोलूंगा। कहां गई श्रुति? श्रुति, श्रुति, असली लव स्टोरी तो हमारी है। वो तो काम का बीच में आ गया। आज तक मैंने तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताई, लेकिन आज कहता हूं। यही कि मैं तुमसे श्रुति है कि शर्मिली? छोड़ो, छोड़ो। एक्चुअली मुझे इतनी आसानी से तुम्हें आई लव यू नहीं कहना था, पर मैं भी शाहरुख खान का बड़ा फैन हूं, तो उसकी तरह बोलूंगा, क्योंकि वो भी कभी कभी हकलाता है और मैं भी हकलाता हूं। आई लव यू। मैंने
तो अपने दिल की बात कह दी। तुम भी शादी की तैयारी कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आखिर कह ही दिया, आई लव यू टू। क्या हुआ बेटी, तुझे इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। बता ना आखिर बात क्या है। पिताजी, हाँ, ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। तुझे तेरा प्यार मिल गया। अब बच के कहाँ जाएगा। ताले बिना ला। थोड़ा और ले। और नहीं खाया जाता पिताजी। थोड़ा सा बस कीजिए ना भैया। आपने जितना खिलाना था खिला दिया। इतना लाड़ प्यार मत करो कि कल ससुराल ही ना जाए। अरे अपनी लाडली को अपने हाथों से आखिरी बार खिला रहा हूँ। देखा ससुर जी, मैंने आपसे कहा था ना शादी 10 दिन बाद करवाइए। अब देखो इस घर में कितनी खुशियाँ हैं। शर्मिली को भी आनंद हुआ है। होगा क्यों नहीं, ये इसके पीछे की सच्ची वजह थोड़ी ना जानते हैं। अब तू बता या फिर मैं बताता हूँ कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। साले फिर शुरू हो गया। जब पहुँच जाइए। क्या हुआ सनी, बोलती बंद पड़ गई? सांप सूंघ गया क्या? हम दोनों बीच में क्यों पड़ रहे हैं? शर्मिली बताएगी। शर्मिली, तुम तुम्हारी पसंद पिताजी को बताओगी ना? बात ये है, मुझे लगा 10 दिनों में अगर मेरी सनी से शादी नहीं हुई तो मेरी जिंदगी खत्म ही हो जाएगी। पिछले 10 दिनों में सनी ने मुझे इतना सिखाया, इतना प्यार दिया कि क्या कहूँ। मेरी जिंदगी में अगर सनी नहीं आता तो मैं प्यार का असली मतलब कभी समझ ही नहीं पाती। तब मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं थी, बस सनी को पति के रूप में देखना चाहती थी। मैं आज भी वही चाहती हूँ, मुझे सनी से ही शादी करनी है। हाँ पिताजी, सनी मेरा पति बनेगा। दामाद जी, माँ की ममता न पाने की वजह से वो बहुत उदास रहती थी। एक बात की चिंता हमेशा खाए जाती थी मुझे कि मेरे बाद उसका क्या होगा। ये चिंता तब दूर हुई जब उसकी जिंदगी में तुम आए। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी को कोई ऐसा लड़का मिले जो उसे मुझसे भी कई गुना ज्यादा प्यार करे, और उसे तुम मिल गए। मुझे विश्वास है कि तुम उसका दिल कभी नहीं तोड़ोगे। मुझे तुम पर फक्र है, नाज है दामाद जी। अब बच के कहाँ जाएगा। शर्मिली, मैं यहाँ श्रुति के लिए आया था, पर पुल में गिरने के बाद मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया। सोता हूँ तो तुम दिखती हो, सुबह उठता हूँ तो तुम दिखती हो, पर सनी ने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। जैसे तुम्हारे लिए लव मैरिज एक एम्बिशन था, वैसे मेरे लिए रिवेंज एम्बिशन है। पापा से कहो तुम सिर्फ सनी से शादी करना चाहती हो। ऐसा क्यों कहूँ? जरा समझो, सनी तुमसे बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहता। वो खुद अपने बनाए जाल में फंस जाएगा और फिर तुम्हारे पापा उसे नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरा कहा मानोगी ना, वरना मैं मर जाऊंगा। और हमारी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जैसा कहोगे मैं करूंगी। क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि तुमसे श्रुति को कोई नहीं छीन सकता। अब देखा किस तरह तुम्हें बिना टच किए तुम्हारे प्यार की मैंने पुंगी बजा दी।
कल तुम्हारी शादी है मुन्ना, तैयार रहो। ये क्या हो रहा है बेटा? शर्मिली से शादी करेगा तो श्रुति का क्या होगा? आंख मिचौली बहुत हुई, मैं सब जाके बलवंत को बता दूंगा। नहीं डैडी, अगर उसे पता चला तो हम सबको दफना देगा। तो तेरे पास कोई रास्ता है? शादी तो कल होकर ही रहेगी। भाई लगता है प्लान काम कर गया। नमस्ते भाई। अरे आप इतने मुरझाए हुए क्यों लग रहे हैं? अब तो हम रिश्तेदार हैं। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? अरे शादी के बाद यहीं सेटल हो। मालिक, मार्केट को किडनैप कर लिया गया है। hey, शर्मिली कहाँ गई? ढूंढो उसे, जाओ। श्रुति कहाँ गई? ढूंढो। हाँ भाई, चलो चलो ढूंढो उन्हें। भाई हमें वो कहीं नहीं मिली। मालिक, केशव का फोन है। बोल केशव। अबे बलवंत, अगर तू अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है तो यहाँ मैं यही बैठा हूँ। एए, गाड़ियां निकालो। क्या रे, प्लान फ्लॉप हो गया तेरा? केशव बलवंत का दुश्मन है और हाँ, उसी ने ही श्रुति को किडनैप किया है। श्रुति अब तेरी है या मेरी है ये वक्त ही बताएगा। गाड़ी निकाल यार। देख मैं आ गया। सुन, हमें लफड़े में नहीं पड़ने का। आप जाओ मैडम, जाओ जाओ जाओ, गो 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 गो, जाइए ना प्लीज, जाइए। हमने उसे गायब होने दिया, अब हम गायब होते हैं। तुम उससे प्यार करोगी और उसके लिए भवानी को धोखा दोगी। तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं। आजा, मार, मार मुझे। मेरे शरीर को मारा, मारा।
गलत है, तो इसे छोड़ दीजिए। ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही तुम मेरे लिए बनी हो। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू मेरे रास्ते से हट जाए। पिताजी! मेरी बेटी पे हाथ उठा, तेरी मौत निश्चित। नहीं दामाजी, अब हट जाओ। इसने शर्मिली पे हाथ उठाए। काट डालो। छोड़ना नहीं, काट दो इसे। क्यों रोका बेटा? माना कि इसने मुझे धोखा दिया, लेकिन इससे मैंने तो सच्चा प्यार किया। भवानी तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, जानती है कितना बड़ा गुंडा है वो। तो हम कौन से शरीफ हैं? अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उससे ही। लेकिन अब मैं दामाद जी को कैसे समझाऊं? दामाद जी जरा साइड में होगे। लेकिन बात क्या है? अरे पहले आओ तो सही। आओ आओ दामाद जी। अगर मैं श्रुति पर अन्याय करूंगा तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आखिर हुआ क्या है? शर्मिली शर्मिली अब भवानी से शादी करना चाहती है। भवानी से? दिमाग खसक गया है क्या तुम्हारा? मेरी शादी की खबर सुनकर मेरे गांव से क्या पूरे इंडिया से लोग आने लगे। अब उनको क्या जवाब दूंगा? डैडी आप इन्हें समझाइए ना। वो कुछ नहीं, शर्मिली मेरी ही होगी। ऐसी जिद ना कर, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। एक बाप की मजबूरी समझ, उसके बदले तो जो चाहेगा मैं दूंगा। ठीक है, अब उस दिन आपके कहने पर मैंने श्रुति का साथ छोड़ा था और आज आप ही के कहने पर शर्मिली को। तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? पर मेरा भी तो सोचना यार। मैंने तुम दोनों को जुदा किया था, मैं ही तुम दोनों को मिला दूंगा। बेटा बेटा, श्रुति जैसी लड़की तुझे कहीं नहीं मिलेगी। बेटा बेटा, हाँ कह देना बेटा। सिर्फ तेरे लिए। क्या बात है सोन कमरीलाल। क्या हुआ? सनी शादी के लिए मान गया। किससे? और किससे? श्रुति से। आपको अच्छी तरह चूना लगा गया, इसमें कुछ नया क्या है? कुछ भी हो मानना पड़ेगा, लड़के में दम तो है। सनी बेटा। हाँ बोलिए। तुमने बड़ा नेक काम किया है मेरी बेटी की शादी करवा के। चल मांग, जो मांगना है मांग ले। जो मांगू वो मिलेगा? हाँ मांग के तो देख। किशोर भाई। बेटा ये तो। अब सुनिए, इन्हें 1 फीट जमीन दे दीजिए। इन्हें तो मैं 6 फीट में गाड़ूंगा। 1 मिनट, अभी अभी आपने वादा किया है। अरे मैंने हाँ कहा है लेकिन। ना नहीं कर सकते। मैंने अपने बेटे से वादा किया है, इसलिए 1 फुट जमीन तेरी। जा। बाबा, मैं जीत गया। मैं ये केस जीत गया। आपकी इच्छा पूरी हुई। आपकी इच्छा पूरी। सचमुच? पापा, अगर आप भी मुझे 10 दिन का टाइम दें तो। इससे 10 दिन गोली मार दूंगा। जीते रहो जीते रहो, भगवान तुम्हें खुश रखे। अरे अरे, मेरे क्यों? क्योंकि मुझसे भी बड़ा विलेन तो तू है। चल सनी को थैंक्स बोल। सुनिए ना, मुझे तो लगता है कि श्रुति ना कहेगी। बेटा तू अब तक मेरे टैलेंट को पूरी तरह नहीं जानता। अपने टाइम पे मैं भी रोमियो था, लड़कियों को पटाना जानता। अच्छा? सुनो बेटा श्रुति, मैं तुमसे ये कह रहा था कि। कुछ नहीं सुनना है मुझे। कल उसने आपकी जायदाद के लिए मुझे छोड़ दिया था, कल को कोई और आएगी तो ये फिर से पलट जाएगा। नहीं बेटा, सनी तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तुम्हें सच्चाई पता नहीं है, उसने जो कुछ भी किया सब ड्रामा था। 10 दिन का टाइम उसने सिर्फ भवानी और शर्मिली को मिलाने के लिए मांगा था, ताकि वो तुम्हें पा सके। क्यों बेटे? एकदम सही है। अब क्या कहती हो आप?
इतना फोर्स कर रहे हैं तो आज के बाद से मेरी दो बेटियां हैं और दो दामाद हैं। दो बिछड़े हुए प्रेमियों को क्या आइडिया करके मिला है? जीजा जी कोई साधारण आदमी नहीं। हमारा सनी भी किसी से कम नहीं। ईस्ट हो या वेस्ट, हमारा सनी है सबसे बेस्ट।